इस वीडियो में हमने ट्राई किया है वन ब्लॉक पे 50 आवर्स सर्वाइव करने की, और ये कोई नॉर्मल वन ब्लॉक नहीं है। इसमें नॉर्मल वन ब्लॉक से 4 फेज ज़्यादा हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा एडवेंचर। इसके साथ ही हमने कुछ टास्क को भी कंप्लीट किया है। पहला, एक सर्वाइवल बेस बनाया है जिसमें एक ट्रेडिंग हॉल, 4 टाइप के फार्म और एक सुंदर सा दिखने वाला एक्वेरियम है। दूसरा, फुल इंचांटेड नेदराइट का आर्मर और टूल्स बनाया है। तीसरा, एल्डर ड्रैगन को मार के इलाइट्रा लाया है। चौथा, एक वार्डन को कैद करके उसको पेट बनाया है, जो कि एकदम ही क्रेजी था। आई होप आप लोगों को मजा आएगा। ओके, तो जैसे ही हम लोग वर्ड को ज्वाइन करते हैं, हम लोग स्पॉन होते हैं एक डर्ट ब्लॉक के ऊपर, और आसपास हमारे कुछ खास चीज़ था नहीं, कुछ खास तो छोड़ो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, हम लोग एक डर्ट ब्लॉक के ऊपर फंसे पड़े थे। तो उसके बाद मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने नीचे वाले ब्लॉक को पंच करना स्टार्ट करता हूं। और जैसे ही वो ब्लॉक टूटता है, उसके साथ ही मैं आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता हूं, और मेरे पास 100-200 एक्स्ट्रा भी नहीं थे कि मैं किसी को देकर लैंड करा सकूं, लेकिन पता नहीं कैसे भाई बच जाता है। और इसके बाद मैं फिर से रिस्पॉन होता हूं, और इस बार मेरे हाथ में एक सवल आ चुका था, तो मैं फटाक से सवल का यूज करता हूं और एक और डर्ट ब्लॉक को माइन करता हूं। और लकली मैं इस बार नीचे नहीं गिरता, तो मैं उस ब्लॉक को इन्फिनिट ब्लॉक के साइड में प्लेस करता हूं और उस पे मैं खड़ा हो जाता हूं, और उसके बाद फिर मैं माइन करने लगता हूँ। और तभी हमें एक चेस्ट मिलता है जिसमें एक एप्पल और 2 एग रखे थे, इसका मतलब हम लोग ऑमलेट बना सकते थे। तो फटाफट मैं उसको अपने इन्वेंटरी में ले लेता हूँ और चेस्ट को तोड़ देता हूँ। और इसके बाद हम लोग फिर माइन करने लगते हैं, और तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। और अभी तक ये ट्यूटोरियल फेज ही चल रहा था, और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी आ रहे थे, लेकिन ऑफकोर्स हमने उनको नहीं पढ़ा और हम लोग माइन करते रहे। और तभी हमारा फर्स्ट मॉब स्पॉन हुआ, एक पिग, और इसको देख के मेरा बहुत ही मन था इसको वाइट में धक्का मार दूं, लेकिन इससे पार्क चैप की खुशबू आ रही थी, तो मैं इसको धक्का नहीं मारता हूं। और उसके बाद मेरे पास जितने भी ओक थे उनके मैं स्लैब बनाता हूं और थोड़ा सा अपने प्लेटफार्म को एक्सपेंड करता हूं। और प्लेटफार्म को एक्सपेंड करने के बाद हम लोग फिर से माइन करते हैं, और हमें फिर एक और चेस्ट मिलता है जिसमें एक एप्पल और 3 वीट सीड्स रखे थे, यानी हम लोग फ्यूचर में खेती कर सकते थे, तो मैं इसको भी ले लेता हूं। उसके बाद मैं साइड में चेस्ट लगाता हूं, और मेरे पास जितने भी आइटम थे सारे आइटम को मैं चेस्ट में रख देता हूं, और इसके साथ ही मैं एक क्राफ्टिंग टेबल भी बनाता हूं और उसको भी वहीं पर रख देता हूं। उसके बाद माइन करने पर हमें एक और चेस्ट मिलता है जिसमें एक वाटर बकेट होता है, तो मैं फटाक से वाटर बकेट ले लेता हूं, और उसके बाद वाटर लगा के मैं अपने इनफाइनाइट ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूं, जिससे ग्रेवल और सैंड नीचे ना गिर सके। उसके बाद मैं ऊपर आता हूं, उसके बाद वाटर बकेट को चेस्ट में रखता हूं, और उसके बाद मैं थोड़े से टूल्स बनाता हूं, और 1-2 टूल्स अपने भाई को भी दे देता हूं। और तभी एक और चेस्ट स्पॉन होता है जिसमें से बहुत सारे हार्ट निकल रहे थे, और उस चेस्ट से मुझे थोड़े से ओक लॉग और एक ओक सैपलिंग मिलती है और एक टार्च भी मिलते हैं, तो जिसको मैं ले लेता हूं। और उसके बाद चेस्ट को तोड़ने पे विड्रॉ आ जाता है और एक टाइमर चलने लगता है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट फेज आ चुका था, द प्लेन, यानी हमारे ट्यूटोरियल फेज अब खत्म हो चुका था, तो हम लोग फटाफट इसको भी माइन करना स्टार्ट करते हैं। फिर मुझे एक और चेस्ट मिलता है जिसमें 2 अजेलिया और 2 और 1 रखे थे, इसका मतलब था हम लोग और ऑमलेट बना सकते हैं, तो मैं उसको भी ले लेता हूं। और उसके बाद माइनिंग कंटिन्यू करता हूं, और माइन करते समय हमें पिग, चिकन्स और काउ मिल रहे थे, और 1-2 चेस्ट भी मिल रही थी, और इसी में मुझे एक और ओक सैपलिंग मिली। और उसके बाद स्पॉन होता है एक सिप, और स्पॉन होता ही वो ग्रेवल के अंदर चला जाता है, तो मैं उसको टपली मार के बाहर निकाल लेता हूँ। और उसके बाद ये सब गैंग बना के हमें रोकने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इनको लगा कि ये सब संख्या में ज़्यादा है तो हम पे रूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तभी मैं इनके इरादों को समझ जाता हूँ। और उसके बाद मेरे पास जितने भी लॉग थे उसके मैं प्लैंक बनाता हूँ, और इनको कैद करने के लिए एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ ताकि ये हम पे मोनोपोली ना चला सकें। और एनिमल फार्म को कंप्लीट करते समय मेरे सारे लॉग खत्म हो जाते हैं, तो भाई से मुझे थोड़ी सी भीख मांगनी पड़ती है, और उसके बाद मैं इनके प्रिजन को कंप्लीट कर देता हूँ। और उसके बाद एनिमल्स को धक्का मार के मैं अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था, और तभी देखता हूँ कि एक चिकन नीचे उड़ने की कोशिश कर रही थी, और आई स्वेयर मैंने उसको धक्का नहीं मारा था। और उसके बाद मैं इन सबको पुश करके अंदर ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह सिप मुझे बहुत परेशान करती है, तो मैं थक जाता हूँ, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और उसके बाद भाई इनको पुश करके अंदर ले जाने लगता है, और मैं माइन करता हूँ, और माइन करते समय एक और पिग स्पॉन होता है, और तभी मैं देखता हूँ भाई की हैवानियत, और मेरे सामने ही पिग को मार देता है, लेकिन उसके पार्क चौक मेरे पास आ गए, तो मुझे उसकी खुशी थी, तो मैं कुछ उसको बोलता नहीं हूँ। और उसके बाद भाई ने एक छोटा सा फार्मिंग एरिया भी बना रखा था, तो मैं होश से उसकी कुड़ाई करता हूँ, और वहाँ पे मैं वीट सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। और उसके बाद हम लोग फिर से माइन करने लगते हैं, और तभी एक और सिप और एक और काउ स्पॉन होती है, तो इसको भी हम लोग धक्का मार के अंदर ले जाते हैं। और तभी फाइनली एक और हार्ट वाला चेस्ट आ जाता है जिसमें 2 सैपलिंग और एप्पल्स और 1 गोल्डन कैरेट और 1 ग्रास ब्लॉक था, और साथ में 2 अंडे भी थे, इसका मतलब था कि हम लोग ऑमलेट की एक शॉप खोल सकते हैं। इसके बाद ट्री फार्म के लिए मैं एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ, और मेरे पास जितने भी सैपलिंग थे सारे सैपलिंग को मैं वहीं पे प्लांट कर देता हूँ। और इसी के साथ सेकेंड फेज द अंडरग्राउंड आ चुका था, इसका मतलब था हमें आयरन, कोल और स्टोन जैसी मस्त मस्त चीज़ें मिलेंगी, तो मैं फटाफट एक उड़ के पिकैक्स क्राफ्ट करता हूँ, और उसके बाद माइनिंग स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े से कोबल स्टोन को माइन किया और सारे टूल्स को स्टोन में अपग्रेड किया,
और इसके बाद हम लोग फिर से माइन करने लगे और हमें तभी फर्स्ट दो पीस आयरन मिले और उसके बाद एक मशरूम काऊ भी स्पॉन हुई, तो हम लोग उसको भी धक्का मार के फेंस के अंदर कर देते हैं। और उसके बाद दो ज़ॉम्बी स्पॉन हुए और स्पॉन होते ही उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया और मेरे को मार मार के मेरा हेल्थ को 1 हार्ट तक कर दिया। तो मैं थोड़े से बॉल बनाता हूँ और मशरूम काऊ से मशरूम लेके मैं अपना हेल्थ फुली कर रहा होता हूँ कि तभी दो और स्पॉन हो जाते हैं, लेकिन इस बार मैं प्रो हो गया था तो मैं उनको आसानी से मार देता हूँ। और उसके बाद एक और चेस्ट स्पॉन होता है। और उसके बाद मैं वीट सीड्स को प्लांट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। तभी एक क्रीपर स्पॉन हो जाता है और जब तक हमें कुछ समझ में आता है वो फट जाता है। और उसके बाद मैं प्लेटफार्म को फिक्स करता हूँ और अपने सामान को सिक्योर करने के लिए चेस्ट को एक ब्लॉक लेफ्ट करके लगा देता हूँ। और उसके बाद माइन करने पे थोड़े से रैबिट स्पॉन होते हैं और स्पॉन होते ही ये इधर उधर उछलने लगते हैं, तो मैं उन पर ध्यान नहीं देता और उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। और तभी एक और मशरूम का स्पॉन हो जाती है, तो हम लोग इसको भी धक्का मार के अंदर ले जाते हैं। और उसके बाद दो सिबलिंग भी ग्रो हो जाते हैं, तो मैं दोनों ट्री को चॉप कर लेता हूं और ट्री फार्म वाले एरिया को और एक्सपेंड कर देता हूं और उससे जितने भी सिबलिंग मिलते हैं सारे सिबलिंग को मैं वहीं प्लांट कर देता हूं। और फिर माइन करने पे दो स्पाइडर स्पॉन होते हैं और उसके बाद फिर दो ज़ॉम्बी स्पॉन होते हैं जिनको मारने के चक्कर में मैं भाई को मार देता हूं और वो मर जाता है। और इसके बाद मैं ट्री फार्म वाले एरिया को और एक्सपेंड करता हूँ और जितने भी सेपलिंग थे सारे सेपलिंग को फिर से प्लांट कर देता हूँ। और जब मैं ये काम कर रहा होता हूँ तब भाई माइनिंग करता है और तभी एक और क्रीपर स्पॉन होता है और वो भी फट जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर से प्लेटफार्म को फिक्स करते हैं और हम लोग फिर से माइनिंग करने लगते हैं, तभी एक और क्रीपर स्पॉन होता है और ये भी फट जाता है और इसके साथ ही हमारा एक पिग भी मर जाता है। और इसी के साथ खतरा बढ़ चुका था, तो मैं अपने स्टोरेज सिस्टम के लिए एक छोटा सा प्लेटफार्म बनाने लगता हूँ, लेकिन मेरे पास इनफ वुड नहीं होता है तो मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट आवर भी कंप्लीट हो जाता है और सेकंड आवर की शुरुआत होते ही हम लोग थोड़ी सी माइनिंग करते हैं और तभी एक म्यूजिकल चेस्ट स्पॉन होता है जिसमें 3 बुक रखे होते हैं और एक डिस्क रखा होता है, तो मैं उसको ले लेता हूँ। और तभी एक ट्री भी ग्रो हो जाता है, तो मैं उसको चॉप कर लेता हूँ और अपने स्टोरेज वाले एरिया को कंप्लीट करता हूँ। और उसके बाद मैं सारा सामान को वहाँ पे मूव कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग फुल स्पीड से माइनिंग करने लगते हैं और हमें आयरन और कोल वगैरह मिल रहे थे जिनकी हमें बहुत ज़रूरत थी, तो हम लोग फटाफट माइन करते हैं। और फिर एक और हार्ट वाला चेस्ट आता है जिसमें मुझे 2 स्प्रूस सैपलिंग और 1 गोल्डन कैरेट और 1 मैप मिलता है, तो मैं उसको भी ले लेता हूँ और मैं तुरंत स्प्रूस सैपलिंग को ले जाकर प्लांट कर देता हूँ। और जब मैं स्प्रूस सैपलिंग को प्लांट करके आता हूँ तभी भाई बताता है कि उसने 1 अंडे से 5 बेबी चिकन निकाल दिए, ये चमत्कार पता नहीं उसने कैसे किया। तो मैं थोड़ी देर उनको घूरता हूँ और फिर हार्ट वाले चेस्ट को तोड़ देता हूँ और इसी के साथ हमारा थर्ड फेज शुरू हो जाता है स्नो बायोम। तो हम लोग फिर से माइन करने लगते हैं और तभी मिलता है हमें अपना फर्स्ट गोल्ड। तो मैं भाग के जाता हूँ और फर्नेस से आयरन लेके एक आयरन का पिकैक्स बनाता हूँ और जब तक मैं आता हूँ तब तक भाई उसको माइन कर चुका होता है। और तभी माइनिंग करते समय एक गोट भी स्पॉन होती है और स्पॉन होते ही वो मुझ पर हमला कर देती है, तो उसके बाद मैं उसको गॉड के पास पहुंचा देता हूं और फिर से माइनिंग करने लगता हूं। और उसके बाद माइन करने में मुझे एक चेस्ट मिलता है जिसमें 2 बोन रखे होते हैं, तो मैं उसको ले लेता हूं। और जब भाई माइन कर रहा होता है तभी एक उल्फ स्पॉन था, तो मैं उसको टेम करने की कोशिश करता हूँ लेकिन वो होता नहीं है। और इसके बाद माइन करने पे 2 स्केल्टन स्पॉन होते हैं और स्पॉन होते ही ये मॉर्निंग वॉक पे निकल जाते हैं और मैं इनको मारने जाता हूँ और तभी भाई अपना बदला लेता है और 1x मेरे को मार देता है। और उसके बाद एक उल्फ और फॉक्स का होता है WWE फाइट और ऑफकोर्स ये स्क्रिप्टेड नहीं था, तो इसमें फॉक्स मर जाता है। और उसके बाद मैं ट्री फार्म वाले एरिया को और एक्सपेंड करता हूँ और 4 स्प्रूस सैपलिंग को एक साथ ही प्लांट कर देता हूँ ताकि हमें बहुत सारा वुड मिल सके। और उसके बाद हम लोग ट्री फार्म वाले एरिया के सारे डर्ट को रिमूव करके उसको फिक्स करते हैं और सारे ट्री को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लांट करते हैं। और इसी बीच मैं देखता हूँ कि एक पोलर बियर स्पॉन होकर घूमता रहता है और इसके बाद हम लोग फिर से माइन करने लगते हैं और एक और पोलर बियर स्पॉन होता है और इसके बाद 2 फॉक्स स्पॉन होती हैं और स्पॉन होते ही हमारे सारे चिकन्स को मार देते हैं। और फाइनली हमारा स्प्रूस ट्री ग्रो हो जाता है, तो मैं एक आयरन का एक्स बनाता हूँ और उसके बाद मैं ट्री को चॉप करने लगता हूँ और तभी एक और स्प्रूस ट्री ग्रो हो जाता है, तो भाई उसको चॉप करता है। और उसके बाद अगले 20 मिनट तक हमने बहुत सारे वुड कट करी। और उसके बाद जब हमारे पास इनफ वुड कलेक्ट हो गया तो एक हम लोग बड़ा सा प्लेटफार्म बनाने लगे जहाँ पर हम लोग मॉब स्पॉन करा के उनका लूट वहाँ से कलेक्ट करेंगे। बेसिकली हमें बोन मिल चाहिए था, तो इसीलिए हम लोग ये प्लेटफार्म बना रहे थे। और रात होते ही मैं प्लेटफार्म के सारे टार्च को हटा देता हूँ और वहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होने लगते हैं, तो मैं उस एरिया को फेंस से कवर कर देता हूँ ताकि कोई मॉब हमारे बेस पर ना आ पाए। और सुबह होते ही सारे मॉब जल जाते हैं, बस 1-2 क्रीपर वगैरह रह जाते हैं, तो मैं उनको मारता हूँ और सारे बोन मिल को कलेक्ट कर लेता हूँ। लेकिन इनसे हमें ज्यादा बोन मिल मिलता नहीं है, तो सबसे बेस्ट आइडिया था कि हम यहाँ पे एक मॉब फार्म बना ले। तो मैं मॉब फार्म बनाने लगता हूँ और मेरे पास जितने बोन मिल थे वो सारे बोन मिल में भाई को दे देता हूँ और वो जाके वुड कलेक्ट करता है और मैं मॉब फार्म पे काम शुरू करता हूँ। और मॉब फार्म बनाते समय एक फैंटम आ जाता है और वो मेरे को मारने लगता है, लेकिन मैं उसको मार देता हूँ। उसके बाद गेस करो क्या होता है, यस फैंटम की पूरी फैमिली आ जाती है और वो मेरे को मार देते हैं। और उसके बाद मैं फिर से रिस्पॉन होता हूँ और थोड़े से वेट कलेक्ट करता हूँ
और उसे थोड़े से ब्रेड बना लेता हूँ, और तब तक सुबह भी हो जाती है तो मैं फिर से जाता हूँ और मॉक फॉर्म को कंप्लीट कर देता हूँ। और एग्जैक्टली 9वें दिन हमारा मॉक फॉर्म बनके कंप्लीट हो जाता है। इसका मतलब था कि फाइनली हमने 3 घंटे भी कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो मॉक फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी फेवरेट जगह इंटरनेट पे चला जाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे एफके होके मैं वही गया था, तो मैं बिना वीकनेस पोशन के ज़ॉम्बी ब्लिज़र्ड को क्योर करने का तरीका खोज रहा था। तभी मुझे रेडिट पे एक पोस्ट मिलता है, और इस पोस्ट के हिसाब से यदि हम 3x3 ब्लॉक के अंदर एक विच और एक ज़ॉम्बी ब्लिज़र्ड को एक साथ लाएं और उसके बाद हम विच के पास जाएं तो वो हम पे पोशन फेंकता है, और इस पोशन का इफेक्ट ज़ॉम्बी विलेजर पर भी होगा। और यदि विच हम पर वीकनेस पोशन फेंकता है, जिसका कि केवल 25% चांस है, बट स्टिल यदि वो हम पर वीकनेस पोशन फेंकता है तो उसका भी इफेक्ट ज़ॉम्बी विलेजर पर होगा, और तभी हमें ज़ॉम्बी विलेजर को एक गोल्डन एप्पल दे देना है और उसके बाद हमें विच को मार देना है और हमारा ज़ॉम्बी विलेजर क्योर हो जाएगा। ओके, तो इतना सारा ज्ञान लेने के बाद मैं ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। लेकिन ये काम जितना आसान साउंड कर रहा था उतना आसान होता नहीं है। मैं बहुत देर तक मॉब की कुटाई करता हूँ लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, तो मैं फार्म को बंद करके ज़ॉम्बी विलेजर को छोड़कर सारे मॉब को मार देता हूँ और फिर ज़ॉम्बी विलेजर को फार्म से बाहर निकाल लेता हूँ। लेकिन बाहर निकलते ही ये मेरे पीछे पड़ जाता है, तो फिर हम लोग थोड़ी देर तक टॉम एंड जेरी खेलते हैं और फिर हम लोग उसको कैद कर लेते हैं। और फिर मुझे मॉब फार्म से एक विच की साउंड आती है, तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ और एक्साइटमेंट में मैं फार्म को ठीक करना भूल जाता हूँ, और उसके बाद तो ऐसा हाल हो जाता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। और फिर हम लोग थोड़ी देर तक वेट करते हैं, और जब सारे मॉब डिस्पॉन हो जाते हैं मैं फार्म को बंद कर देता हूँ और प्लेटफार्म को फिक्स करता हूँ, और सारे मॉब के साथ साथ ज़ॉम्बी विलेजर भी डिस्पॉन हो जाता है। मतलब था कि सारी मेहनत हमें फिर से करनी थी। तो इसके बाद मैं फिर से ढेर सारे मॉब की कुटाई करता हूँ और फिर से एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, और इसके साथ साथ एक विच भी स्पॉन होता है। तो मैं फिर से इनको बाहर निकालता हूँ और इसको क्योर करना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यह विच मेरे ऊपर बस पॉइजन ही फेंकता है, मतलब इतना पॉइजन फेंकता है कि मैं मर जाता हूँ। और फाइनली ये एक वीकनेस पोर्शन फेंकता है, फिर मैं ज़ॉम्बी विलेजर को एक गोल्डन एप्पल दे देता हूँ और विच को मार देता हूँ। और फिर मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूँ और सोचता हूँ कि बस ये मेथड काम कर जाए, और गेस व्हाट, ये काम करता है। और इसके बाद मैं विलेजर के लिए मॉब फार्म के पास ही एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ, और तब तक भाई बेड लेके आ जाता है, और विलेजर को बाहर निकालने के चक्कर में गलती से एक एक्स उसको मार देता हूँ, और इसके बाद ये गुस्सा हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर मनाने के बाद ये बाहर आ जाता है, और ये मैं क्या करता हूँ मुझे नहीं पता। फिर मैं एक फ्लेचिंग टेबल बनाता हूँ और विलेजर को फ्लेचर का जॉब दे देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर से फॉर्म को ओपन करता हूँ, और गेस व्हाट, मैं इस बार भी फॉर्म को ठीक करना भूल गया था, और फिर से मुझे जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है। और फिर मैं सारे मॉब को मारता हूँ और फिर से फार्म को ठीक करता हूँ। अब हमारे पास एक विलेजर था, लेकिन ब्रीडिंग कराने के लिए हमें एक और विलेजर की ज़रूरत थी, तो मैं एक और गोल्डन एप्पल बनाने जाता हूँ। लेकिन गोल्डन एप्पल बनाने के लिए गोल्ड ही नहीं था, तो मैं फिर वही अपने पुराने काम पे चला जाता हूँ, माइनिंग करने। और इसी बीच एक गोट स्पॉन होता है, और एक महायुद्ध भी होता है जिसमें एक पिक की बलि चढ़ जाती है। और फिर गेस करो क्या होता है, मुझे रॉ गोल्ड के पूरे 2 ब्लॉक मिल जाते हैं। तो मैं फटाफट उसको स्मेल्ट करता हूँ और एक गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ, और फिर से ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करने चल देता हूँ। और फिर से मॉब की कुटाई करते समय मुझे एक पोटैटो मिलता है, जिसको मैं सेफली चेस्ट में रख देता हूँ। और फिर एक और ज़ॉम्बी विलेजर और विच स्पॉन होता है, और आप लोगों को तो फिर ड्रिल पता ही है, फॉर्म को बंद करना, सारे मॉब को मारना, विच और ज़ॉम्बी विलेजर को बाहर निकालना, फिर पॉइजन के बुलबुले छोड़ना, फिर वीकनेस इफेक्ट मिलते ही ज़ॉम्बी विलेजर को गोल्डन एप्पल देना, और फिर विच को गायब कर देना, और फिर ज़ॉम्बी विलेजर को घूरना जब तक कि वो विलेजर ना बन जाए, और फिर गेट साथ पता नहीं ये क्या करना। ओके, तो इसके बाद मैंने शिप को ब्रीड किया, बोन मिल का यूज करके थोड़े से कैरेट उगाए, और हाँ, ये कैरेट मुझे मॉब फॉर्म से मिला था, तो कोई कमेंट में क्रिएटिव नहीं बोलेगा। और फिर शिप से उल लिया, फिर भी 2 ही उल थे, तो स्ट्रिंग का यूज करके एक और उल बनाया, और 3 उल के फिर एक बेड बनाया, फिर विलेजर को ब्रीडिंग करने के लिए बेड और थोड़े से कैरेट दे दिया, और फिर कोने में खड़े होके उनको बच्चे करते हुए देखा। और उसके बाद बोन मिल का यूज करके थोड़े से पोटैटो उगाता हूँ और एक और बेड बनाता हूँ, और जो 3 बुक मिले थे उनका यूज करके एक बुक सेल्फ भी बनाता हूँ, और फिर उसका एक लेक्टर्न बनाता हूँ, और फिर विलेजर को बेड और पोटैटो दे देता हूँ और लेक्टर्न को वहीं पे रख देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर से मॉब फॉर्म को स्टार्ट करता हूँ, और गेस करो इस बार क्या होता है। हाँ, मैं इस बार फॉर्म को ठीक कर देता हूँ, हर बार थोड़ी ही भूलूंगा पागल। और फिर बोन के लिए थोड़ी देर तक मॉब की कुटाई करता हूँ, और फिर ढेर सारे वुड कलेक्ट करता हूँ, उसका स्टिक बनाता हूँ, और फ्लेचर को बेच के एमराल्ड की ट्रेडिंग करता हूँ। ओके, तो अभी तक 5 घंटे कंप्लीट हो गए थे और अभी तक हमने कुछ बिल्ड नहीं किया था, तो फिर हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करते हैं। और प्लेटफॉर्म बनाते समय मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो मैं खुद से नहीं बता सकता, तो आप लोग देख लो।
हाँ मैं अपने नीचे का ही ब्लॉक तोड़ देता हूँ और इसके बाद मैं फिर से मजदूरी करता हूँ और प्लेटफार्म को कंप्लीट करता हूँ। और इस वाले प्लेटफार्म पर हम लोग एक हाउस बनाना चाहते थे तो इसीलिए हम इसको भी बड़ा बना रहे थे। और प्लेटफार्म को कंप्लीट करने के बाद मैं विलेजर के पास चला जाता हूँ और एक विलेजर लाइब्रेरियन बन गया था और वो मेंडिंग की बुक सेल कर रहा था तो मैं उससे एक बुक सेल्फ ले लेता हूँ और उसके ट्रेड को लॉक कर देता हूँ और फिर आयरन गोलम को गायब करता हूँ और फिर से वुड कलेक्ट करता हूँ। और तब तक भाई बिल्ड का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है। फिर भाई मुझे बताता है कि एक वंडरिंग ट्रेडर आया है और उसका लामा मुझे देखते ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और फिर मैं चेक करता हूँ तो वो हमें सैंड दे रहा था जिसकी हमें बहुत ज़रूरत थी तो मैं फिर भाग के जाता हूँ और वुड कलेक्ट करता हूँ और फिर विलेजर से उसकी ट्रेडिंग करता हूँ। फिर वंडरिंग ट्रेडर से एक कैक्टस, एक अकेसिया सेपलिंग और बहुत सारे सैंड ले लेता हूँ। उसके बाद मैं भाई के साथ हाउस कंप्लीट करने लगता हूँ और इसको हम लोग एक एनिमल फार्म हाउस बनाने वाले हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है वी लव एनिमल्स और खासकर उनके मीट, तो इसी प्यार के चलते हम लोग उनको सिक्योर करना चाहते थे। और एनिमल फार्म को कंप्लीट करने के बाद मैं एक पार्ट में ग्रास ब्लॉक को रख देता हूँ और उसके चारों तरफ डर्ट लगा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग अपना शिप रखेंगे और उसके बाद हम लोग सारे एनिमल को एनिमल फार्म के अंदर मूव कर देते हैं और काऊ, पिग, शीप सबको अलग अलग रखते हैं। और इसके बाद भी हमारे फार्म में बहुत सारा जगह बच जाता है तो इसमें हम लोग फ्यूचर में आने वाले एनिमल को रखेंगे। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे वुड कलेक्ट करते हैं और फिर स्टिक बना के विलेजर से ट्रेड करते हैं। फिर मैं मेंडिंग वाले विलेजर से एक बुक सेल्फ लेता हूँ और फिर उसको तोड़ देता हूँ और उसका फिर से बुक सेल्फ बनाता हूँ और फिर उसका लेक्टर्न और बहुत देर तक विलेजर को जॉब देता हूँ। और इसी बीच मैं एक फ्लेचिंग टेबल भी बनाता हूँ और स्टिक को सेल करता हूँ। इसके बाद मैं मेंडिंग वाले से दो और बुक सेल्फ लेता हूँ और उनमें से एक और बुक सेल्फ को तोड़ देता हूँ। आप लोग सोचोगे इसको क्यों तोड़ा, तो ऑफ कोर्स बुक सेल्फ बनाने के लिए। मैं एक बुक सेल्फ को तोड़ता हूँ दूसरा बुक सेल्फ बनाने के लिए, कितना जीनियस हूँ मैं। फिर मैं एक और लेक्टर्न बनाता हूँ और फिर दोनों भाई बहुत देर तक विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देते हैं। हमें बस एफिशिएंसी 5 और अनब्रेकिंग चाहिए था लेकिन ये स्माइट 5, लूटिंग और पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। और फाइनली 20 मिनट के मेहनत के बाद एक विलेजर एफिशिएंसी 5 का बुक देने को तैयार होता है। और फिर मैं बहुत सारे एमराल्ड कलेक्ट करता हूँ और एफिशिएंसी 5 की एक बुक ले लेता हूँ और फिर मैं बुक को चेस्ट में रख देता हूँ और फिर आयरन गोलम को कुटाई करता हूँ और फिर वहां से चला जाता हूँ। और इसके बाद हम लोग एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पर हम लोग विलेजर को रखेंगे। फिर इसके हम लोग दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं, एक साइड पे मैं एक फार्मिंग एरिया बनाता हूँ और दूसरे साइड पे भाई विलेजर के लिए एक ब्रीडिंग सेंटर और एक ट्रेडिंग हॉल बनाता है। और इसके बाद मैं फिर से एक एक्स बनाता हूँ और फिर से मजदूरी करके वुड कलेक्ट करता हूँ। फिर ये भाई साहब लोग आ जाते हैं तो इनको मैं वाइड में हवा खाने के लिए भेज देता हूँ। फिर मैं विलेजर को उनके प्रिजन से ट्रेडिंग हॉल तक ले जाने के लिए एक रास्ता बनाता हूँ और जैसे ही रात होती है मैं उनका बेड तोड़ देता हूँ और बेड का लालच देके मैं उनको ट्रांसफर करना शुरू कर देता हूँ और सुबह तक उनको ट्रेडिंग हॉल तक पहुँचा देता हूँ। और फिर पूरा दिन मैं रास्ते और विलेजर के ओल्ड हाउस को हटाने में लगाता हूँ। फिर मैं वूल के लिए शिप की बालों की कटाई करता हूँ और उसका बेड बना के विलेजर के ब्रीडिंग सेंटर में लगाता हूँ। फिर मैं उनको थोड़ा सा पोटैटो दे देता हूँ और उनको बच्चे करते हुए देखता हूँ। फिर दो बच्चे आ जाते हैं जिनको मैं स्मगल और इसके बाद मैं मॉब फार्म के पास चला जाता हूँ और मॉब की कुटाई करता हूँ। और मुझे एक गोल्ड की लेगिंग मिलती है जिसको मैं पहन लेता हूँ जो कि मेरे गेम प्ले की तरह लग रहा था, बिल्कुल ही घटिया। फिर मैं बोन के बोल मिल बनाता हूँ और थोड़े से पोटैटो की फार्मिंग करता हूँ और उनको विलेजर को दे देता हूँ ताकि और बच्चों को स्मगल। फिर और वूल कलेक्ट करता हूँ और उनका बेड बना के विलेजर को दे देता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को स्मगल। ओके ठीक है, यहाँ पे कोई स्मगल की बात नहीं होगी, अब मैं खुद मेहनत करके अमीर बनूंगा। फिर मैं इन्फिनिट ब्लॉक को माइन करने चला जाता हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे एक साउंड आता है और लिखा होता है बी वेयर अ मॉन्स्टर पार्टी। फिर मैं वहाँ से भागता हूँ और इन्फिनिट ब्लॉक के आसपास 4-5 ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं तो मैं उनको अपने हॉकाई वाले एम से मार देता हूँ। और मुझे लेदर का एक चेस्ट प्लेट मिल जाता है तो मैं उसको पहन लेता हूँ और उसको पहनने के बाद मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और फिर प्लेटफॉर्म को फिक्स करता हूँ और फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। तभी एक उल्फ स्पॉन होता है तो मैं उसको टेम कर लेता हूँ और फिर मुझे मिलता है मेरा फर्स्ट डायमंड तो मैं उसको सेफली चेस्ट में रख देता हूँ। फिर एक स्केल्टन स्पॉन होता है और वो वॉक पे निकल जाता है और फिर स्पॉन होती है एक और गोट और फिर मैं इसको अपने एनिमल फार्म के पास लेके चला जाता हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और उसके बाद मैं विलेजर के पास जाता हूँ और पोटैटो फार्म का गेट खोल देता हूँ तो कुछ विलेजर फार्मर का जॉब ले लेते हैं। अब मुझे इनको फूड देने की जरूरत नहीं थी तो मैं वहाँ पे और थोड़े से बेड लगा देता हूँ ताकि ये और बच्चे करें और फिर मैं इनको जॉब दे सकूँ। फिर मैं थोड़ी देर तक माइनिंग करता हूँ और फिर भाई आ जाता है तो वो माइनिंग करने लगता है। फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ और ट्रेडिंग हॉल के पीछे दो वुड फॉर्म बनाता हूँ। अब हम लोग यहाँ से सारे बिल्ड के लिए वुड की सप्लाई करेंगे।
और इसके बाद आयरन को स्मेल्ट करके मैं 3x बनाता हूँ और अगले आधे घंटे तक मैं केवल मजदूरी करता हूँ। और इसी बीच मैं फ्लेचर से स्टिक की ट्रेडिंग करता, फिर ट्री काटता, फिर ट्रेडिंग करता। इसके बाद मैं एक स्मिथिंग टेबल, एक ब्लास्ट फर्नेस, एक एनविल और एक और फ्लेचिंग टेबल बनाता हूँ। और इसके बाद हम लोग विलेजर को ब्रीडिंग एरिया से ट्रेडिंग हॉल में मूव करना स्टार्ट करते हैं और उनको बेड का लालच देके अलग अलग कैबिन में पहुंचा देते हैं, जिससे हमारा ट्रेड करना थोड़ा आसान हो जाए। फिर हम लोग चार विलेजर को लाइब्रेरियन, चार को फ्लेचर, एक को टूल स्मिथ और एक को आर्मरर बनाते हैं। और फिर यहाँ से हमारा रिच होने का जर्नी शुरू होता है। तो हम लोग बहुत सारा वुड काटते हैं और बहुत सारी ट्रेडिंग करते हैं, और साथ ही साथ मैं आर्मरर और टूल स्मिथ के साथ भी ट्रेडिंग करता हूँ ताकि ये डायमंड का आर्मर और टूल्स ऑफर करने लगे। और इसी बीच मैं विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब भी देता हूँ और फाइनली टूल स्मिथ हमें डायमंड का हो ऑफर करता है, लेकिन मुझे एक्स की जरूरत थी। और आर्मरर को भी लेवल अप करने पे हमें डायमंड के शूज और लेगिंग ऑफर करने लगता है। फिर मैं देखता हूँ कि भाई ने चेस्ट में अपनी ओपी वाली डायमंड की एक्स रखी है, तो मैं उसको चोरी कर लेता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ और भाई के साथ इन्फिनिट ब्लॉक के पास वाले प्लेटफार्म को बनाने लगता हूँ। तो हम लोग ओल्ड प्लेटफार्म को रिमूव कर देते हैं और न्यू प्लेटफार्म को बनाने लगते हैं, और इस वाले प्लेटफार्म को हम लोग सर्कल में डिजाइन करते हैं। और इसके नीचे हमने एक बड़ा सा एरिया बनाया था जहां पे हम लोग अपना बेस बनाएंगे और हमारा स्टोरेज सिस्टम भी होगा। और बेस बनाने के साथ साथ ही मैं आयरन गोलम की कुटाई भी कर रहा था, और इसके साथ ही मैं एक टूल स्मिथ भी बनाता हूँ और उसके साथ ट्रेडिंग करता हूँ और फ्लेचर के साथ भी ट्रेडिंग करता हूँ। और हाँ, ये कैसे भूल सकता हूँ, ये तो मेरा फेवरेट काम है। और फाइनली ये वाला टूल स्मिथ मुझे डायमंड का एक्स ऑफर करता है, वो भी एफिशिएंसी सेकंड और अनब्रेकिंग सेकंड के साथ। तो मैं उससे 2x बाई कर लेता हूँ, और एक लाइब्रेरियन अनब्रेकिंग 2 की बुक दे रहा था तो मैं उससे बुक भी बाई कर लेता हूँ और उसे अपने एक्स में लगा लेता हूँ। अब हमारे बेस में केवल स्टेयर वाला काम रह गया था, तो हम लोग जल्दी जल्दी उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आके देखता हूँ कि भाई ने चेस्ट में एक पावर 5 की बुक रखी है। फिर थोड़े से एमराल्ड लेता हूँ और 2 बुक सेल्फ बाई करता हूँ, और ऑफ कोर्स इसको भी तोड़ देता हूँ। फिर एक एफिशिएंसी 5 की बुक लेता हूँ और उसे अपने एक्स में लगा लेता हूँ। फिर मैं बोन मिल कलेक्ट करने के लिए मॉब की कुटाई करता हूँ, और थोड़ी ही देर बाद 2 स्टैक बोन कलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं वुड फॉर्म के पास वापस चला आता हूँ। तब तक हमारा एक और भाई गेम ज्वाइन कर चुका था और दोनों भाई मिलकर दोनों वुड फॉर्म पे कब्जा कर लेते हैं। तो मैं उन दोनों के लिए बोन रख देता हूँ और थोड़ा सा डर्ट लेके मॉब फॉर्म के पास चला जाता हूँ और वहीं पे एक टेम्परेरी वुड फॉर्म बना देता हूँ। और फिर बोन मिल के लिए मॉब की कुटाई करता हूँ। फिर अगले 1 घंटे तक मैं मॉब मारता, बोन मिल का यूज करके ट्री ग्रो करता, फिर डेकोरेशन ट्री के लिप्स कलेक्ट करता और फिर ट्री काटता, और फिर से मॉब मारता, ट्री ग्रो करता, लिप्स कलेक्ट करता और ट्री काटता। मतलब मैं पूरा मल्टीटास्किंग मोड में जा चुका था। और लास्ट तक मैंने ऑलमोस्ट 1 लार्ज चेस्ट लिप्स कलेक्ट कर लिया था। फिर मैं ट्रेडिंग करने चला जाता हूँ, लेकिन भाई ने पहले से ट्रेडिंग कर रखी थी, तो मैं 4 और बुक सेल्फ बाई करता हूँ। और फाइनली मुझे रियलाइज हो जाता है कि बिना बुक सेल्फ को तोड़े भी लेक्टर्न बना सकते हैं, बस इसको रियलाइज होने में 21 घंटे लग जाते हैं। फिर मैं और विलेजर को लाइब्रेरियन का जॉब देने लगता हूँ, लेकिन ये नल्ले बेरोजगार काम ही नहीं करना चाहते। फिर मैं आर्मरर से 2 लेगिंग और 2 शूज बाई करता हूँ और उसको मास्टर लेवल तक अपग्रेड करता हूँ, और उसे 2 सेट डायमंड आर्मर बाई कर लेता हूँ, और 1 सेट आर्मर भाई को दे देता हूँ और 1 सेट खुद पहन लेता हूँ। और फाइनली हम लोग डायमंड के आर्मर में कवर हो चुके थे। फर्स्ट वाला टूल इसमें डायमंड पिकैक्स दे रहा था, वो भी एफिशिएंसी 2 के साथ, तो मैं उससे 1 ले लेता हूँ। अब हमें बस डायमंड स्वॉर्ड चाहिए था, तो मैं स्टोन स्मेल्ट करके एक ग्राइंड स्टोन बनाता हूँ, और इसके साथ ही एक आर्मर स्टैंड भी बनाता हूँ, और आर्मर स्टैंड को एनविल के साइड में लगा देता हूँ, और अपने ओल्ड वाले ओपी आर्मर को उस पे लगा देता हूँ, जो कि मेरे डायमंड वाले आर्मर से कूल ही लग रहा था। फिर मैं एक नल्ले बेरोजगार विलेजर को ग्राइंड स्टोन दे देता हूँ, लेकिन ये नल्ला बेरोजगार ही रहना चाहता है। तो फिर मैं फ्लेचर से ट्रेडिंग करने चला जाता हूँ, और वापस आके देखता हूँ तो ये वेपन स्मिथ बन गया था, तो मैं इससे 3 आयरन के स्वॉर्ड बाई कर लेता हूँ। और भाई लाइब्रेरियन को जॉब दे रहा था, 1 को फेदर फॉलिंग 4 और 1 को फ्लेम पे लॉक कर दिया था। फिर ये मुझे सिल्क टच का पिकैक्स दे रहा था, तो मैं इससे 1 पिकैक्स बाई कर लेता हूँ और इसके ट्रेड को लॉक कर देता हूँ। फिर वेपन स्मिथ के साथ ट्रेड करके 3 और स्वॉर्ड बाई कर लेता हूँ। फिर फ्लेचर के साथ ट्रेडिंग करता हूँ और 3 और लेक्टर्न बनाता हूँ और उसे हॉल में प्लेस कर देता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने सबसे फेवरेट काम करने चला जाता हूँ, और फेवरेट हो भी क्यों ना, इससे मैं अमीर हो रहा था। फिर मैं अपने एक्स को रिपेयर करने मॉब फार्म के पास चला जाता हूँ, और तभी मेरा दूसरा भाई सर्वर ज्वाइन करता है और वो इन्फिनाइट ब्लॉक को माइन करने लगता है, और फिर एक मॉन्स्टर पार्टी हो जाती है। तो मैं भाग के उसको बचाने जाता हूँ, लेकिन अफसोस मैं उसको बचा नहीं पाता। फिर मैं अपने रिच होने की जर्नी को स्पीड अप करने के लिए 2 और फ्लेचिंग टेबल बनाता हूँ और उसे लेक्टर्न की जगह प्लेस कर देता हूँ। और मैं बाहर आके देखता हूँ कि फार्मिंग वाले एरिया में बहुत सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। फिर मैं भाग के मेन बेस के साइड जाता हूँ
तो वहां भी एक क्रीपर स्पॉन हो गया था। तो मुझे लगा कि ये बारिश की वजह से हो रहा है, लेकिन तभी भाई बताता है कि इस नली इंसान ने वहां का टार्च रिमूव कर दिया था और फिर टार्च लगाना ही भूल गया। फिर सुबह होती है और मैं दोनों नए फ्लेचर से ट्रेडिंग करता हूं और मेरे दूसरे भाई के लिए एक और आर्मर का सेट बाई करता हूं। फिर देखता हूं कि एक और ब्लेजर पता नहीं कैसे लाइब्रेरियन बन गया था और वो अनब्रेकिंग 3 की बुक सेल कर रहा था, तो मैं उससे 4 अनब्रेकिंग 3 की बुक बाई कर लेता हूं और एक को अपने पिकैक्स में, एक को हेलमेट में और एक को शूज में लगा लेता हूं और एक बचता है तो मैं उसको चेस्ट में रख देता हूं। और तब तक भाई एक बार और मर जाता है तो मैं उसको आर्मर दे देता हूं ताकि ये कम से कम मरना तो बंद करे। फिर हम लोग सारे चेस्ट को हटा देते हैं और सारे आइटम को नीचे मूव कर देते हैं और मुझे एक स्पाइक ग्लास मिलता है, तो मैं जासूस बन के कुछ नन्हे लोगों को स्पाई करता हूं। फिर मैं इन्फिनिटी ब्लॉक के नीचे एक बेस बनाता हूँ और फिर हम लोग माइनिंग स्टार्ट करते हैं। फेज 5 लस्ट ड्रिप केव्स आता है और इसमें हमें बहुत सारे एक्सलाटो और ट्रॉपिकल फिश मिलते हैं, तो मैं उनके लिए एक वाटर का एरिया बनाता हूँ और उनको रख देता हूँ। फिर फेज 6 ओशन फ्लोर आता है और इसमें बहुत सारे टर्टल और सलमान फिश भी मिलते हैं और इसके बाद मैजिक से इन्फिनिटी ब्लॉक ही गायब हो जाता है। तो मुझे लगा कि ये मेरे डर से हो रहा है, फिर मुझे रियलाइज होता है कि नहीं, मेरा नेटवर्क खराब है, बस इसके लिए मुझे जान देनी पड़ती है। फिर माइन करने पे एक गार्डियन आ जाता है और फिर एक एल्डर गार्डियन, और मैं इसको मारने जाता हूँ तो ये मुझे माइनिंग फटिक दे देता है। तब मुझे गुस्सा आता है और मैं फिर उसको मारने के लिए दौड़ाता हूँ और मैं उसे मारने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करे, इंसान कोशिश ही कर सकता है। इसके बाद एक और मॉन्स्टर पार्टी होती है जिसमें ड्राउंड गार्डियन और एल्डर गार्डियन भी आता है, तो मैं सबसे पहले एल्डर गार्डियन को पकड़ता हूँ और उसकी जम के कुटाई करता हूँ और इस बार मैं उसको मार देता हूँ और फिर गार्डियन को मारता हूँ और फिर से हम लोग माइनिंग करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट फेज रेड डेजर्ट आता है, इसमें बहुत सारे हमें डंकी, लामा, विलेजर और एक दो वंडरिंग ट्रेडर भी स्पॉन होते हैं। और जब तक मैं माइन कर रहा था तब तक भाई ट्रेडिंग हॉल का सेकंड फ्लोर भी बनाना शुरू कर देता है। और इसके बाद एक और हार्ट वाला चेस्ट आता है जिसमें मुझे कुछ एमरल्ड मिलता है जिसकी मुझे अमीर होने के लिए बहुत जरूरत थी, और इसके साथ ही एक गोल्डन एप्पल, एक अकेसिया सेपलिंग और कुछ बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग मिलता है। तो मैं चेस्ट को तोड़ देता हूं और मुझे लगता है कि अब फाइनली नेदर वाला फेज आएगा जिसका मुझे कब से इंतजार था, लेकिन ऐसा नहीं होता, जंगल डंजन आता है। तो मैं फिर से वही माइनिंग करने लगता हूँ। फिर दो बर्ड स्पॉन होते हैं तो मैं भाग के जाता हूँ और चेस्ट से थोड़े से वीट सीड्स लेके आता हूँ और उसको टेम करने लगता हूँ। फर्स्ट वाला तो आसानी से टेम हो जाता है, लेकिन सेकंड वाले में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फाइनली वो भी हो जाता है और ये दोनों आके मेरे शोल्डर पे बैठ जाते हैं। और मैंने माइनक्राफ्ट में पहली बार बर्ड को टेम किया था तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। और फिर माइन करते समय ये भाई साहब आ जाते हैं, हाँ वही भाई साहब जो बार बार पॉइजन फेंकते हैं। फिर मैं फुल स्पीड में माइन करने लगता हूँ और इस फेज में मुझे थोड़े से हॉर्स, 4-5 क्यूट पांडा और वेक्सेस वगैरह भी आ रही थी इस वाले में। तो और नेक्स्ट फेज मैंग्रोव स्वैम्प आता है, इसमें स्लाइम्स और भर भर के फ्रॉक्स मिलते हैं। और तब तक भाई ट्रेडिंग हॉल का सेकंड फ्लोर भी कंप्लीट कर देता है और नीचे वाले फ्लोर को भी थोड़ा सा डिजाइन कर देता है। और फाइनली एक बार और फेज चेंज होता है और इस बार नेदर फेज आ जाता है और मैं फुल स्पीड से माइन करने लगता हूँ। बस मुझे एक लावा बकेट चाहिए था और इसके साथ ही मैंने सारे आइटम को नीचे भी मूव किया और उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी किया। और फिर माइन करते समय मुझे अपना फर्स्ट पीस ऑफ एंशिएंट डेब्रिज मिलता है और फिर एक ऑब्सिडियन मिलता है, फिर एक और डेब्रिज मिलता है और एक ब्लेज भी स्पॉन होता है जिसको मैं आसानी से मार देता हूं। और एक दो जगह आग भी लगी थी तो मैं उसको बुझाता हूं। और इसी के साथ खतरा बढ़ चुका था तो मैं अपने इन्फिनाइट ब्लॉक के चारों ओर ये पता नहीं क्या लगा देता हूं और मैं फुल स्पीड से माइन करने लगता हूं। इसमें मुझे कुछ ब्लेज, पिगलिंस और घास स्पॉन होते हैं जिसको मैं आसानी से मार देता हूँ और मुझे एक लावा बकेट भी मिल जाता है। और फिर होता है एक मॉन्स्टर पार्टी जो कि हमारे पिछले 10 घंटों की मेहनत को बर्बाद कर देता है और हमें फिर से गरीब कर देता है। इस मॉन्स्टर पार्टी में पार्टिसिपेट करते हैं पिगलिंस, ब्लेज, गॉस्ट और मैग्मा क्यूब। मैं इनको मारने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन जब तक मैं इनको मारता एक ब्लेज मेरे ऊपर फायर फेंकता है और वो सीधे जाके ट्रेडिंग हॉल के बेस में लग जाती है। भाई उसे बुझाने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन में खेल रहा था तो उसे बुझाने ही नहीं आता, तो वो ब्लॉक प्लेस करके आग को बंद करने की कोशिश करता है और इसी में फैंटम भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और तभी ब्लेज और फायर फेंकता है और ट्रेडिंग हॉल में आग लग जाती है। जब तक मैं इनको मार के आता हूँ तब तक आग बहुत ज़्यादा फैल गया था और उसे बुझाने के चक्कर में मैं जल जाता हूँ और मेरे सारे चेस्ट और टूल्स भी जल जाते हैं और भाई वाइड में गिर जाता है। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानता और वाटर का यूज करके आग को बुझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आग बुझता ही नहीं और मेरे सारे विलेजर जलने लगते हैं। तो मैं बचे हुए विलेजर को बाहर निकालता हूँ लेकिन तब तक हमारे सारे ट्रेडिंग वाले विलेजर जल के मर जाते हैं और इसी के साथ हम लोग फिर से गरीब हो गए थे। फिर मैं कुछ प्लेटफार्म को फिक्स करता हूँ और ताज़ा गरीब होने के बाद मेरा दिमाग नहीं काम करता तो मैं चेस्ट से बचा हुआ अपना इकलौता पिकेक्स लेता हूँ और फिर से माइनिंग करने लगता हूँ। और फिर से दो ब्लेज स्पॉन होते हैं और वो मुझे मार देते हैं और ये फिर से चारों तरफ आग लगाना शुरू कर देते हैं और ये इस बार आग एनिमल फॉर्म पे फेंकते हैं। तो मैं भाग के जाता हूँ और आग को बुझाता हूँ और थोड़ी देर तक एनिमल फॉर्म पे ही जानवरों के साथ बिताता हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा अपना अपना सा लग रहा था, जैसे लग रहा था मैं इनमें से ही एक हूँ। फिर थोड़ी ही देर बाद ब्लेज डिस्पॉन हो जाते हैं तो मैं आता हूँ और अपना सामान ले लेता हूँ और फिर एक एंशिएंट डेब्रिज माइन करता हूँ।
फिर चेस्ट से डायमंड लेके अपने लिए एक एक्स बनाता हूँ। फिर जले हुए ट्रेडिंग हॉल के पास चला जाता हूँ और चेक करता हूँ कि हमारे पास अब क्या बचा है। तो हमारे पास केवल कुछ बुक ही बचा था और एक सिल्क टच वाला विलेजर बचा था। फिर मैं चेस्ट से सारे लेक्टर निकालता हूँ और उसे लगा देता हूँ। तो एक विलेजर फॉर्चून 3 देने लगता है। तो मैं चेस्ट से बचे हुए एमरल्ड और बुक लेता हूँ और उससे एक फॉर्चून 3 का बुक बाई कर लेता हूँ और उसे फिर से चेस्ट में रख देता हूँ। फिर चेस्ट से लावा और वाटर बकेट लेता हूँ और फिर स्टोन जनरेटर मशीन बनाने के लिए मुझे जो भी आइटम चाहिए थे सारे आइटम कलेक्ट करने लगता हूँ। मेरे पास एफिशिएंसी 2 का पिकेक्स था तो मैं इसीलिए एक बड़ा वाला स्टोन जनरेटर बनाता हूँ जिससे मुझे कम समय में ही ज्यादा स्टोन मिल सके। मशीन को कम्प्लीट करने के बाद मैं थोड़ी देर तक माइन करता हूँ, फिर विलेजर के पास चला जाता हूँ और फेंस का यूज करके एक छोटा सा एरिया बनाता हूँ। फिर लेक्टर्न को रख देता हूँ और एक विलेजर को कैद कर लेता हूँ। फिर उससे एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग के बुक के लिए ट्रेड करने लगता हूँ। हमें फिर से स्पीड पकड़ने के लिए इन दोनों बुक की बहुत जरूरत थी और बहुत देर तक ट्राई करने के बाद यह मुझे कुछ भी नहीं देता। फिर मैं एरिया को और एक्सपेंड करता हूँ और बेड की मदद से एक और विलेजर को कैद करता हूँ। फिर उन दोनों को जॉब देना स्टार्ट करता हूँ और इस बार पहली बार में एक विलेजर अनब्रेकिंग देता है और फिर एक मेंडिंग देता है और फिर ऑलमोस्ट आधा घंटे के बाद एक विलेजर एफिशिएंसी 4 का बुक देने को तैयार होता है। और इसी बीच हमारा दूसरा भाई भी गेम ज्वाइन कर चुका था और वो वुड कलेक्ट कर रहा था, तो मैं उसका वुड चोरी करके ट्रेड करता हूँ और एफिशिएंसी की बुक बाई कर लेता हूँ। फिर आयरन के लिए आयरन गोलम की कुटाई करता हूँ और कुछ आयरन ब्लॉक को माइन करके एक एनविल बनाता हूँ और सारे बुक्स को लेता हूँ और उसे कंबाइन करने लगता हूँ। और मेरा इतना दिमाग टेंशन में था कि मैं गलती से फॉर्चून 3 का भी बुक कंबाइन कर देता हूँ जबकि उसे मुझे अपने पिकेक्स में लगाना था। फिर मेंडिंग को एक्स में लगाता हूँ और मेरे पास ज़्यादा एक्सपी था नहीं तो बुक और एक्स को भाई को कंबाइन करने के लिए दे देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर से अपना फेवरेट काम करने लगता हूँ। बस यही था जो मुझे फिर से अमीर बना सकता था और मेरा खोया हुआ सम्मान समाज में वापस दिला सकता था। फिर अगले आधे घंटे तक बस मैंने ट्रेडिंग किया, वुड काटा और फिर से ट्रेडिंग किया। और जब तक मैं ये सब कर रहा था तब तक भाई ने जले हुए ट्रेडिंग हॉल को हटा दिया और सारे प्लेटफार्म को फिक्स कर देता है। और बीच बीच में ये भाई साहब लोग भी आ जाते हैं तो मैं अपने गॉड वाले एम से इनकी धुलाई करता हूँ। उसके बाद मैं ब्लास्ट फर्नेस को प्लेस कर देता हूँ और एक विलेजर आर्मरर बन जाता है तो मैं उसे थोड़ा सा ट्रेडिंग करता हूँ। और इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना ही भूल गया, लेकिन रिप्ले मोड ऑन था तो मैं कुछ पार्ट दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं और मेरे भाई ने बहुत सारे ट्री को चॉप किया और फिर मैं आर्मरर से ट्रेड करता हूँ। और हाँ, इतना चिपक में ट्रेड ही कर रहा था, कुछ गलत मत समझना। और आर्मर डायमंड का ट्रेड ऑन कर देता है तो मैं अपने लिए और एक भाई के लिए डायमंड का आर्मर बाई कर लेता हूँ और उसको दे देता हूँ। फिर मैं मॉब फार्म पे मॉब की कुटाई करता हूँ। इसके बाद एक विच और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होते हैं तो मैं उनको भी क्योर करने लगता हूँ। और ये गधा इस बार भी पॉइजन ही फेंक रहा था, फिर किसी तरह यह वीकनेस पोशन फेंकता है तो मैं ज़ॉम्बी विलेजर को एक गोल्डन एप्पल देता हूँ और इसको मार देता हूँ। फिर जैसा ही विलेजर क्योर होता है तो मैं उसको तुरंत लाइब्रेरियन का जॉब देने लगता हूँ और कुछ ही देर बाद यह मुझे एफिशिएंसी 5 की बुक देने लगता है, वो भी केवल एक एमराल्ड में। तो मैं खुशी के मारे उससे बहुत सारे बुक बाई कर लेता हूँ। फिर मैं उसे मॉब फार्म से निकालता हूँ और बेड का यूज करके उसे भी सारे विलेजर के पास पहुँचा देता हूँ। और इसके बाद मैं थोड़ी देर तक कॉबल स्टोन माइन करता हूँ और फिर से अमीर होने के लिए ट्रेडिंग करता हूँ। फिर थोड़े से और स्टोन माइन करता हूँ और फिर थोड़ी देर तक मैं बिर्च लॉक को चॉप करता हूँ क्योंकि भाई को ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए इसकी जरूरत थी। लास्ट वाले ट्रेडिंग हॉल को तो मैंने देखा भी नहीं था और आप लोगों को पता ही है उसको क्या हुआ। इसके बाद मैंने फिर से स्टोन माइन किया और इस वाले हावर्स को मैं ऑफिशियली मजदूरी हावर्स घोषित करना चाहूंगा क्योंकि इसमें मैंने बस वही किया है। इसके बाद मैंने इन्फिनाइट ब्लॉक के आसपास वाले एरिया को और बढ़ाया और उसके चारों ओर एक बड़ा सा वॉल बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता इस बार भी कोई गधे का बच्चा स्पॉन हो और हमारे बेस को फिर से जलाए। और वॉल को कम्प्लीट करने के बाद मैं फिर से माइन करने लगता हूँ। फिर मैं नेदर जाने के लिए एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ और एक ऑब्सिडियन कम पड़ जाता है तो फिर से माइन करता हूँ और नेदर पोर्टल को कम्प्लीट करता हूँ और फिर नेदर चला जाता हूँ और मैं बेसाल्ट डेल्टा में स्पॉन होता हूँ। मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर भी करता हूँ बट ज्यादा कुछ था नहीं, आसपास बस हमारे लावा था और दूर मुझे वार्प फॉरेस्ट दिख रहा था। तो मैं फिर वापस आ जाता हूँ और सेफ्टी के लिए नेदर पोर्टल को तोड़ देता हूँ। और अभी तक भाई ने ट्रेडिंग हॉल को भी कंप्लीट कर दिया था। इसको बनाने के लिए ये ऑलमोस्ट 15 दिन लगाता है जबकि सारा मटेरियल मैं ही इसको दे रहा था, लेकिन इसने अच्छा बनाया था। और इसके बाद मैं भी हाउस पे थोड़ा सा काम करता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा ओक ट्री चॉप करता हूँ और उससे बहुत सारे फैंस बनाता हूँ और फिर इसे प्लेटफॉर्म के चारों ओर प्लेस करने लगता हूँ। भाई हॉल को थोड़ा सा डेकोरेट करता है और विलेजर को हॉल के अंदर मूव कर देता है। फिर हम लोग प्लेटफार्म को थोड़ा सा लिप्स का यूज करके डेकोरेट करने लगते हैं और फिर मॉब फॉर्म वाले प्लेटफार्म पे भी थोड़ा सा स्टोन और लिप्स लगा दिया। और हाँ, इसको कैसे भूल सकते हैं, तो हमने इसे भी थोड़ा डेकोरेट कर दिया। फिर ट्रेडिंग हॉल के सामने 2 फाउंटेन बनाते हैं और कुछ ट्री भी प्लांट कर देते हैं और कुछ ट्री मॉब फॉर्म पे भी प्लांट करते हैं। एनिमल फॉर्म पे भी थोड़ा सा ट्री प्लांट करते हैं और थोड़ा सा लाइटिंग भी ऐड करते हैं। इसके बाद और बेड बनाता हूँ और उसको ट्रेडिंग हॉल में लगा देता हूँ। फिर थोड़े से विलेजर को पोटैटो दे देता हूँ और ऑफ कोर्स उनको बच्चे करते हुए देखता हूँ। फिर 2 और बुक सेल बाई करता हूँ और उसका लेक्टर्न बना के उसे भी हॉल में प्लेस कर देता हूँ ताकि मैं बच्चों से मजदूरी करा सकूँ।
ओके ठीक है, बड़े होने के बाद मैं दूरी करा सकूं। फिर स्टिक बना के फ्लेचर के साथ ट्रेड करके अमीर होता हूं और मॉब की कुटाई करता हूं और बोन मिल का यूज करके थोड़े से कैरेट उगाता हूं और उसको भी विलेजर को दे देता हूं। फिर बहुत देर तक कोबल स्टोन माइन करता हूं और फिर चेस्ट से एमरल्ड लेके अनब्रेकिंग वाले लाइब्रेरियन को लेवल अप करता हूं ताकि वो ग्लास का ट्रेड ऑन कर सके, क्योंकि फ्यूचर में हमें बहुत सारे ग्लास की जरूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए मैं विलेजर को ब्रीड करके लाइब्रेरियन का भी जॉब दे रहा था। उसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने चला जाता हूं और थोड़ी सी माइनिंग के बाद हार्ट वाला चेस्ट आ जाता है और इस चेस्ट में एक लावा बकेट, नेडराइट स्क्रैप, एक वेदर स्केल्टन स्कल, दो गोल्डन एप्पल, एक इंचेंटेड एप्पल, दो ब्लेज रॉड और एक पूरा का पूरा नेडराइट इंगट मिल जाता है। फिर इसे माइन कर देता हूं और फेज 11 इडल या इडाइल पता नहीं क्या आ जाता है। इस फेज में मुझे बहुत सारे नेदर क्वार्ट मिल रहे थे तो मैं फुल स्पीड में माइन करने लगता हूं और कुछ बी भी स्पॉन होते हैं और माइनिंग के साथ साथ मैं स्लाइम के साथ जंपिंग जपाक भी खेलता हूं और फाइनली ये वाला भी फेज खत्म हो जाता है। फिर फेज 12 द डीप डार्क आता है, इसमें बहुत सारे स्कल्क श्रिंकर और स्कल्क सेंसर आ रहे थे तो मैं डर डर के माइन कर रहा था और फिर स्पॉन हो जाता है एक जीता जागता चलता फिरता वार्डन। मैं वहां से फुल स्पीड में भागता हूं और मैं पूरा डरा हुआ था। फिर मैं थोड़ी देर तक वेट करता हूं कि वो डिस्पॉन हो जाए, लेकिन दूर से देखता हूँ कि वो मेरे सारे टर्टल और फिशेस को मार रहा था और फिर मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं उसे मारने की तैयारी करने लगता हूँ। मैं चेस्ट से पावर 5 और अनब्रेकिंग 3 की बुक लेता हूँ और उसे अपने बो में लगाता हूँ। फिर हम लोग सोचते हैं कि उसको मारने से क्या ही होगा, क्यों ना उसे कैद कर लिया जाए और एक वार्डन अपना पेट रहेगा तो सोसाइटी में कितना नाम होगा। तो मैं फिर वार्डन को कैद करने के लिए तैयारी शुरू कर देता हूँ और उसको कैद करने के लिए थोड़ी ही दूर पे एक बंकर बनाता हूँ और उसके ऊपर ट्रैप डोर लगा देता हूँ। अब प्लान ये था कि हमें वार्डन को किसी तरह यहाँ पे लाना है और फिर मैं ट्रैप डोर के उस साइड से एरो मारूंगा और मुझे मारने के लिए वो भाग के आएगा और वो बंकर के अंदर गिर जाएगा। तो फिर सारी प्लानिंग करने के बाद मैं अपने सारे टूल्स और आर्मर को चेस्ट में रख देता हूँ और वार्डन को कैद करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था, जब भी मैं वार्डन के पास जाता तो वो मुझे मारने लगता। इसको बाहर निकालना ही मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर मैं किसी तरह वॉल तोड़ता हूँ और ये मेरे पीछे आ जाता है और एक बार में ही मुझे मार देता है। फिर मैं बो का यूज करके इसे ट्रांसफर करना शुरू करता हूँ और ऑफकोर्स मरना भी। जब भी मैं इसे बो मारता ये सनकी की तरह मुझे मारने आता, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ। फिर से उसे एक बो मारता हूँ और वो फिर से भाग के आता है। फिर मैं भाग के बंकर के पास जाता हूँ और ये मेरे पीछे भाग भाग के आता है और मुझ पर अटैक कर देता है और मैं वाइड में गिर जाता हूँ। लेकिन भाई बताता कि वो भी बंकर में गिर गया। फिर मैं स्पॉन होकर चेक करता हूँ तो वो बंकर में ही था। फिर मैं भाग के आता हूँ और एक नेम टैग लेके आता हूँ और बहुत सोचने के बाद इसके लिए क्रिएटिव नाम सोचता हूँ। फिर रिस्पॉन्स सेट करके नेम टैग पहनाने नीचे जाता हूँ तो वो मुझे फिर से ऊपर पहुँचा देता है। मैं फिर से नीचे जाता हूँ और उसे नेम टैग पहना देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उसको नाम पसंद नहीं आता तो वो मुझे फिर से मार देता है। लेकिन है अब हमारे पास एक वार्डन था और इसी खुशी में मैं बेड तोड़ता हूँ और बेड के साथ ही गलती से फिर से नीचे गिर जाता हूँ। फिर ट्रैपडोर को बंद कर देता हूँ, अभी अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताएगा। और फिर चेस्ट से आर्मर और टूल लेता हूँ और फिर से माइनिंग करने चल देता हूँ। फिर मैं जाके देखता हूँ कि वार्डन ने सारे टर्टल, फिशेस, एक्सलॉटल सबको मार दिया था। मैं इनके लिए एक एक्वेरियम बनाने वाला था बट अफसोस उसे देखने के लिए इनमें से कोई जिंदा नहीं है। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ और गेस करो क्या होता है, हाँ एक और वार्डन स्पॉन हो जाता है। तो मैं फिर से भाग के जाता हूँ और अपना सारा टूल्स और आर्मर चेस्ट में रख देता हूँ और इसको भी कैद करने की तैयारी शुरू कर देता हूँ। फिर इसको भी वॉल तोड़ के बाहर निकलता हूँ और एरो मार मार के इसको भी ट्रांसफर करने लगता हूँ। ये भी पागलों की तरह मेरे पीछे आता है और मुझे वाइड में भी फेंक देता है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानता और इसे भी ले जाकर बंकर में कैद कर देता हूँ। और इसके बाद मैं फिर से माइन करने लगता हूँ और वार्डन की फैमिली का एक और मेंबर आ जाता है तो दोनों भाई इसको भी मार मार के बंकर के पास ले आते हैं। और ये भी मुझे वाइड में फेंक देता है, लेकिन भाई इसको भी बंकर में कैद कर देता है। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ और एक मॉन्स्टर पार्टी हो जाती है। मैं फिर से वहाँ से भागता हूँ और वार्डन मेरे आंखों के सामने ही मेरे वुल्फ को मार देता है। तो फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं भी इसको मारूंगा। फिर मैं अपने सारे टूल्स को चेस्ट में रख देता हूँ और बो का यूज करके इसको 3 एरो मारता हूँ। फिर भाई भी मुझे ज्वाइन कर लेता है और फिर होता है मौत का नंगा नाच। पहले वार्डन भाई को मारता है, फिर मुझे मारता है और फिर तो मारता ही रहता है। इसके बाद मैं 2-3 एरो और मारता हूँ और वो भी मुझे मारता है। फिर मैं एक और तीर मारता हूँ तो वो फिर मुझे मारता है। फिर मैं उसे 2 और तीर मारता हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कि हमसे ये नहीं होगा, हम उसे नहीं मार पाएंगे।
तो भाई बोलता है कि उसने भी उसे बहुत एरो मार रखा है। तो हम लोग फिर से हिम्मत करके जाते हैं और तभी हमारा दूसरा भाई भी गेम ज्वाइन कर लेता है। फिर हम तीनों भाई मिलके वार्डन को मारना शुरू कर देते हैं। एक टाइम पे वो हमें मारना भी बंद कर देता है और बस खड़ा होकर मार खाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही गोल्डन मौका था। तभी मैं उसे बहुत सारे एरो मारता हूं, लेकिन वो फिर भी मुझे मार देता है। मैं फिर से रिस्पॉन होता हूं और अपना सामान लेके भागने लगता हूं। तभी भाई बताता है कि वार्डन मर गया। तो हम लोग अंदर जाते हैं और मैं बिना लैगिंग पहने ही इंजॉय करने लगता हूँ। इसके बाद मैं फिर से माइन करने लगता हूँ, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो मैं इसको भी इसके फैमिली के पास पहुँचा देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से माइन करने लगता हूँ और एक और वार्डन आ जाता है। तो आप लोगों को तो पता ही है, मारना और वाइड में गिरना। और इसके बाद तो एक एपिक चीज होती है, भाई दौड़ता हुआ जाता है और बंकर में गिर जाता है। तो मैं भी जाके बंकर में कूद जाता हूँ और फिर वार्डन भी कूद जाता है। सबसे पहले तो वो भाई को मारते हैं, फिर मेरे सामने 5 वार्डन और मैं अकेला। और उसके बाद सारे के सारे विलियन की तरह धीरे धीरे कदमों से मेरी तरफ बढ़ते हैं और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रजिया गुंडों में फंस गई हो। इसके बाद मैं फिर से माइनिंग करने लगता हूँ और एक और वार्डन स्पॉन हो जाता है। लेकिन अब तक तो मैं प्रो हो गया था, तो मैं इसको एकदम आसानी से लेकर चला जाता हूँ। और वो भी पहली बार मैं बिना वाइड में एक बार भी गिरे, लेकिन ऑफकोर्स मरना तो है ही। फिर हमारे भाई साहब पता नहीं क्या सोच के बंकर के अंदर कूद जाते हैं और बोलता है भाई ये मार ही नहीं रहे। फिर सारे वार्डन मिलकर उसका जो कुत्ता बनाते हैं, क्या ही बताऊं, मजा आ जाता है। और मैं फिर से अपना आर्मर पहनता हूं और फिर से माइनिंग करने लगता हूं। और मुझे नहीं पता कि ये इतने ध्यान से क्या देखने की कोशिश कर रहा है। और एक और हार्ट वाला चेस्ट आता है जिसमें 2 गोल्डन एप्पल, 1 एन्चेंटेड एप्पल और 1 गोट हार्न था। मैं उसे ले लेता हूं और हार्न बजा के वार्डन के खिलाफ अपनी विक्ट्री का ऐलान करता हूँ। हाँ माना 2-4 हजार बार हमारी मौत हुई थी, लेकिन हे उसको कौन याद रखता है। लास्ट हैप्पीनेस इज बेस्ट हैप्पीनेस। फिर चेस्ट को तोड़ देता हूँ। फिर हम लोग नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं और ये किसको मारने के लिए एम कर रहा है मुझे नहीं पता। फिर मैं माइन करने लगता हूँ और ये जनाब आ जाते हैं। जिस वॉल को एक वार्डन नहीं तोड़ पाया उसकी एक क्रीपर ने ही लंका लगा दी। फिर एक वोकर स्पॉन हो जाता है, तो मैं उसको मारता हूँ और ये वैक्स मेरे को। और मैं फिर से स्पॉन होता हूँ तो भाई बोलता है कि उसे एक टोटम मिला है, तो मैं उससे टोटम ले लेता हूँ। फिर मैं फ्लेक्स करने जा रहा था तो मैं देखता हूँ कि मेरे गधे भाई ने मेरे को ही तीर मार रखा है, एक तो मेरे आँख में ही मार रखा था। फिर मैं टोटम को सेफली चेस्ट में रख देता हूँ। आई नो टोटम लोगों की जान बचाता है, लेकिन जिस स्पीड से हम लोग मर रहे थे अभी तो उसे हमसे ही बचाने की जरूरत थी। फिर एक क्रीपर स्पॉन होता है और फट जाता है, लेकिन ये फुस्सी बम था, इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होता। फिर एक और क्रीपर आता है और ये जब फटता है तो हमारी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मतलब इसने हमारा पूरा प्लेटफार्म और वॉल ही गायब कर दिया था। कोई बता ही नहीं सकता कि यहाँ पे एक रूम हुआ करता था। फिर क्या था, हम लोग फिर से प्लेटफार्म को फिक्स करते हैं और फिर से वॉल बनाते हैं और फिर से माइन करने लगते हैं। फिर एक वोकर आता है, फिर स्केल्टन और फिर एक मॉन्स्टर पार्टी हो जाती है और फिर एक और क्रीपर आ जाता है और फिर से हमारा प्लेटफार्म गायब कर देता है। फिर एक और क्रीपर आता है और ये मुझे भी गायब कर देता है। फिर से एक हार्ट वाला चेस्ट आता है और इसके साथ ये भी फेज खत्म हो जाता है। फिर लास्ट फेज द एंड आ जाता है, तो मैं फुल स्पीड में माइन करने लगता हूँ, लेकिन ये एंडरमाइन मुझे माइन ही नहीं करने देते। कुछ एंडरमैन भी आते हैं, 1-2 सल्कर भी आते हैं और ये छोड़ो इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। मैंने इतना माइन किया कि मेरा आधा आर्मर ही टूट गया और मैं फिर से गरीब हो गया था। फिर मेरा पिकैक्स भी टूट गया, तो एक और डायमंड का पिकैक्स बनाता हूँ, लेकिन ये बहुत ही स्लो था। तो ग्लास का ट्रेडिंग करके XP कलेक्ट करता हूँ और पिकैक्स में एफिशिएंसी 5 और सिल्क टच का बुक लगाया और फिर से माइन करने लगता हूँ। मैंने टोटल 8691 ब्लॉक माइन किया और फाइनली एक और हार्ट वाला चेस्ट आता है और इन्फिनिट ब्लॉक के नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पॉन हो जाता है। इस चेस्ट में बहुत सारे आइटम होते हैं, लेकिन मेनली आइजा फेंडर और इंडर पर्ल और एक और इंजेंटेड एप्पल और ड्रैगन ब्रेथ था। मैं इस चेस्ट को भी तोड़ देता हूँ और फिर आ जाता है आफ्टर फेज। इसका मतलब था ये जिंदगी भर चलेगा, तो मैं इसके बाद माइन करना बंद कर देता हूँ। ओके, तो माइनिंग को कम्प्लीट करने के बाद मैं अपने ओल्ड वर्क जैसे स्टोन माइनिंग, मॉब की कुटाई, ट्री चॉपिंग और थोड़ा सा ओक्लिप्स भी कलेक्ट किया और फिर बेस के 4th साइड एक प्लेटफॉर्म बनाने लगता हूँ। और हाँ, आप लोग सोचोगे कि ये सारे काम रात में क्यों करता है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हम मेहनती लोग हैं साहब, हम रात में भी काम करते हैं, सोने पे विश्वास नहीं करते। हालांकि 2023 में मेरा एक भी वीडियो नहीं आया है, बट स्टिल कोई मुझे कामचोर नहीं बोलेगा। ओके, तो मैं प्लेटफॉर्म को कम्प्लीट कर रहा था, लेकिन मेरे कुछ फैंस मुझसे मिलने आ गए। चिल करो गाइस, तुम लोग हर जगह मेरे पीछे आ जाते हो, हटो ना, मुझे काम करने दो प्लीज। फिर मेरे फैंस के जाने के बाद मैं प्लेटफॉर्म को कम्प्लीट करता हूँ। फिर मैं नेदर जाके थोड़ा सा ब्लैक स्टोन कलेक्ट करने लगता हूँ, जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता। फिर मैं देखता हूँ कि मैंने प्लेटफार्म को 2 ब्लॉक नीचे बना दिया है, तो फिर क्या था, तोड़ो और फिर से बनाओ। और भाई भी वर्ल्ड में नहीं था, तो ये सब मुझे अकेले ही करना था। तो मैंने पूरा प्लेटफार्म तो नहीं, बस रास्ते को ऊपर कर दिया था और ये सही लग रहा था।
फिर मैं प्लेटफार्म के चारों ओर स्टोन ऐड करने लगता हूँ और बीच में एक रास्ता बनाता हूँ। और हाँ, यहाँ पे मैं फार्मिंग करने वाला हूँ क्योंकि हम लोग एकदम ब्रोक हो गए हैं और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर मैं सारे चेस्ट से सैंड और डर्ट निकालता हूँ और लिटरली मुझे इसमें 20 मिनट लगते हैं। मुझे सामान को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए था। फिर मैं डर्ट को प्लेटफार्म में प्लेस करता हूँ और फिर इसको रिमूव करता हूँ क्योंकि मैंने गलती से सैंड की जगह डर्ट प्लेस कर दिया था। डर्ट रिमूव करने के समय ही एक वंडरिंग ट्रेडर भी आ जाता है जो कि मुझे सैंड दे रहा था जिसकी मुझे बहुत जरूरत थी, और साथ में बकेट ऑफ ट्रॉपिकल फिश भी दे रहा था। इसका मतलब था मैं एक्वेरियम बना सकता था। तो मैं भाग के जाता हूँ और ट्रेडिंग करके थोड़े से एमरल्ड लाता हूँ और ट्रेडर से सैंड और 4 ट्रॉपिकल फिश बाई कर लेता हूँ। और इसका लामा पता नहीं कहाँ फिर से गायब हो जाता है, लेकिन लेड मेरे को दे जाता है। तो मैं सारे एनिमल को बेस से एनिमल फार्म हाउस में मूव करने लगता हूँ क्योंकि हमारा पूरा बेस जू जैसा लग रहा था, कोई किधर भी घूम रहा है। फिर एक फ्रॉग मिलता है जो कि चल नहीं पाता, तो मैं उसकी चलने में थोड़ी सी हेल्प करता हूँ। फिर इसे लाके पानी के अंदर रख देता हूँ और ऐसा लग रहा था ये एंजॉय कर रहा है। तो फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ और अपने फार्म को कंप्लीट करने लगता हूँ। और फार्म को मैं 4 पार्ट में कर देता हूँ, एक साइड पे वीट, एक साइड पे पोटैटो और कैरेट, एक साइड पे शुगर कैन और एक साइड पे बंबू प्लांट कर देता हूँ। और फील्ड के बीच में ये पता नहीं क्या बनाता हूँ, मुझे खुद नहीं पता। फाइनली अब हमारे पास एक फार्मिंग एरिया था। फिर मैं इसके रास्ते को भी डेकोरेट करने लगता हूँ और फिर भाई पता नहीं कहाँ से आता है और सीधे चलता चला जाता है। अभी ये गधा नीचे गिर गया था, पता नहीं क्या करता रहता है ये। तो फिर हम लोग प्लेटफार्म के आउटर बॉर्डर पे काम करने लगते हैं और भाई बंबू के जंगल में फंस जाता है। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। फिर हम लोग बाहर वाले बॉर्डर पे भी थोड़े से लिप्स ऐड करने लगते हैं, ऑफ कोर्स कूल लगने के लिए। और हम लोग लिप्स ऐड करते करते नूब वार्डन के पास चले जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना वार्डन के बंकर वाले रास्ते को भी थोड़ा सा लिप्स ऐड कर दिया जाए, लेकिन ये आइडिया शायद वार्डन को पसंद नहीं आता है तो वो मुझे वाइड में फेंक देता है। फिर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आता है और मैं फुल गुस्से में चेस्ट से आयरन का शॉट निकालता हूँ। साला मेरे को मारा, अभी इसको इसकी औकात दिखाता हूँ, इसको मार के ही छोड़ूंगा। वैसे मार दूंगा तो छोड़ूंगा कैसे, बट यही सब बोलता हुआ मैं उसे मारने जाता हूँ और बंकर में कूद जाता हूँ। फिर वो मुझे मेरी ही औकात दिखा देता है तो मेरा गुस्सा शांत हो जाता है। फिर भाई भी गिर जाता है और आप लोग सोचोगे कि इसको भी वार्डन नहीं मारा होगा, लेकिन नहीं, ये गधा खुद ही गिर गया। फिर से 2 डायमंड के एक्स बनाता हूँ और एक भाई को दे देता हूँ और फिर खुद के लिए एक पिकैक्स भी बनाता हूँ और काऊ को वीट हिला के ब्रीड करता हूँ और ब्लेजर से ग्लास की फिर ट्रेडिंग करता हूँ। फिर भाई बताता है कि 2 पांडा नेदर में आ गए हैं, तो मैं जाके देखता हूँ तो हाँ, दोनों नेदर में ही घूम रहे थे। फिर मैं बंबू लेके जाता हूँ और उनको लालच देके किसी तरह ओवरवर्ल्ड में लाता हूँ। फिर हम लोग पोर्टल को तोड़ देते हैं। हमने अपना मेन बेस तो बना लिया था, लेकिन उसका डेकोरेशन पे हमने अभी कोई काम नहीं किया था और वो बहुत ही गंदा लग रहा था। तो फिर हम लोग बेस डेकोरेट करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं स्टोन का एक बॉर्डर बनाता हूँ, फिर मैं चेस्ट से सारे ग्लास लेता हूँ और एक्वेरियम पे काम शुरू कर देता हूँ। भाई साइड वाली वॉल को तोड़ता है और मैं ग्लास प्लेस करता हूँ। फिर हमें ये नॉर्मल ग्लास अच्छा नहीं लगता तो फिर हम उसे तोड़ देते हैं। फिर ग्लास को मैं व्हाइट डाई करता हूँ और फिर से प्लेस करने लगता हूँ, और फिर मैं ग्लास के नीचे स्टोन प्लेस करने लगता हूँ। आप लोग बोलोगे कि ये काम पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक प्रो बिल्डर हूँ और प्रो बिल्डर ऐसा ही करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं भूल गया था। फिर मैं बोर हो गया था तो बम्बू का स्टिक बना के थोड़ा सा अमीर होने चला गया, फिर आके एक्वेरियम को कंप्लीट करने लगा। भाई ने इसमें थोड़े से अलग अलग कलर के स्टोन लगा दिए थे और थोड़ी सी लाइटिंग भी ऐड कर दिया था और साथ में थोड़े से ग्रास भी ऐड कर दिया था। फिर मैं वाटर का यूज करके एक्वेरियम को फिल करने लगा। कंप्लीट करने के बाद ये जैसा बना था हमें अच्छा लग रहा था, तो फिर हम लोग बेस के चारों ओर इसको कंप्लीट करने लगे और कंप्लीट करने के बाद एक्वेरियम कुछ ऐसा लग रहा था। एक्वेरियम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बेस के ऊपर वाले एरिया को क्लीन करने लगते हैं। माइनिंग करने के लिए जो हमने प्लेटफॉर्म बनाया था वो भी हटा देते हैं, और ये फ्रॉग फिर से नहीं चल पाता तो मैं फिर से इसको चलने में हेल्प करता हूँ और इसको ले आके एक्वेरियम के अंदर रख देता हूँ। और ऐसा लग रहा था इसको एक्वेरियम पसंद नहीं आता। फिर मैं चेस्ट से सारे फिशेस को लेता हूँ और उन चारों को चारों एक्वेरियम में डाल देता हूँ। और फिर मैं स्टेयर के नीचे वाले खाली एरिया को स्टोन ब्रिक और ब्लैक स्टोन ब्रिक का यूज करके फिल करता हूँ और वहाँ पे थोड़े से चेस्ट लगा देता हूँ और एक स्टोरेज एरिया बनाता हूँ। फिर मैं ऊपर से स्टोन जनरेटर मशीन को भी हटा देता हूँ और उसको मैं वहाँ से हटा के नीचे बेस के अंदर बनाने लगता हूँ। अरे सर, आप यहाँ कहाँ आ गए, साइड चलिए, एक तो खा के आप इतने मोटे हो गए हैं, बताइए जिंदगी की रेस में कैसे भागेंगे। अरे आप भी आ गए, आइए आइए, बस सर थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा, बस हो गया, बस बस हो गया। ये बात फिर स्टोन मशीन को चेक किया और ये सही काम कर रहा था। इसके बाद मैंने सारे ओर को कलेक्ट करके उसका एक टावर बनाने लगा। और हाँ, मैंने इन्फिनिट ब्लॉक को सिल्क टच वाली पिकेक्स से माइन किया था, तो कोई फिर से मुझे कमेंट में क्रिएटिव नहीं बोलेगा। और फिर मैं सारे ओर को फॉर्चून 3 से माइन करने लगा।
इसमें मुझे बहुत ज़्यादा आइटम मिला, आप लोग देख सकते हो कितना सारा आइटम है। इसके बाद हम सारे आइटम का ब्लॉक बना देते हैं जिससे स्टोर करना आसान हो, और आप लोग देख सकते हो मैं कितना अमीर हो गया हूँ। फिर अचानक से मेरे माउस का माइक्रो ऑन हो जाता है जबकि इसमें माइक्रो है भी नहीं। फिर मैं ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे एक फालतू सा पैटर्न बनाता हूँ ताकि एक कम बोरिंग लगे। फिर हम लोग इन्फिनिट ब्लॉक के पास एक हाउस बनाने लगे, और इसको बनाने के लिए हम लोग नेदर ब्रिक और ब्लैक स्टोन का यूज करते हैं, और बहुत मेहनत से मैंने ये बनाया था जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं ब्लैक स्टोन की जगह डिप स्लेट लगाने लगता हूँ, और इनकी तो फिर मैं ये बनाता हूँ जो कि एग्जैक्टली सेम ही था, तो फिर मैं उसको बनाना ही छोड़ देता हूँ। और ये पांडा मुझसे कुछ कहना चाहता था लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, तो मैं इसको बम्बू खाने के लिए दे देता हूँ। फिर ये खुश लग रहा था। फिर मैं ऊपर वाले सारे चेस्ट को तोड़ देता हूँ और सारे सामान को नीचे स्टोरेज वाले एरिया में शिफ्ट कर देता हूँ। फिर मैं नीचे वाले चेस्ट को भी तोड़ देता हूँ और सारे सामान को स्टोरेज में मूव कर देता हूँ। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड के नीचे वाले एरिया को डेकोरेट करने के लिए कुछ ग्लास लगाया, और ये अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर मैं इसको तोड़ देता हूँ। फिर मैं और ज़्यादा ग्लास लगाता हूँ, और गेस करो क्या, हाँ इसको भी तोड़ देता हूँ। फिर मैं स्टेयर पे काम करने लगता हूँ और कुछ सिंपल सा पैटर्न बनाता हूँ। फिर भाई के साथ नीचे वाले फ्लोरिंग पे भी थोड़ा सा काम करता हूँ। हमारा मेन गोल था कि हम लोग हल्का फुल्का चेंज करके बेस को थोड़ा अच्छा बना दे, और लाइटिंग के लिए हम लोग थोड़ा सा लैंटर्न भी ऐड कर देते हैं। फिर ऊपर वाले एरिया पे थोड़े से लिप्स ऐड कर देता हूँ, अब हमारा बेस कुछ ऐसा लग रहा था। फिर मैं प्लेटफॉर्म पे ट्री प्लांट करने के लिए डर्ट लगाता हूँ, और फिर हम लोग चले जाते हैं जंगल सेपलिंग कलेक्ट करने। हमें 16 सेपलिंग चाहिए था, और आप लोग गेस करो हमें इसे कलेक्ट करने में कितना टाइम लगा होगा, 10 मिनट, 15 मिनट। हम दोनों भाई को लगभग 30 मिनट लगे थे केवल 16 सैपलिंग कलेक्ट करने में। मेरा डायमंड का हो भी टूटने वाला था। फिर हम लोग ट्री प्लांट करके बोन मिल का यूज करके उसे ग्रो कर देते हैं, और ट्री पे भी थोड़े से लैंटर्न लगा देते हैं, और मैंने कुछ बोन फायर भी बेस पे लगा दिया। फिर मैं भाई के नीचे वाले ब्लॉक को तोड़ देता हूँ ताकि वो नीचे गिरे और मर जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता, अब हमारा बेस कुछ ऐसा लग रहा था, और ये सेडर के साथ और भी अच्छा लगेगा। लास्ट में मैं सेडर के साथ बेस का एक पूरा प्यारा सा टूर दे दूंगा। फिर हम लोग मॉब फार्म के पास चले जाते हैं, और ये बहुत ही सिंपल लग रहा था जो कि हमारी शान के खिलाफ था। तो फिर मैं कुछ ग्लूबेरी ऐड करके उसको डेकोरेट करने की कोशिश करता हूँ। तभी भाई मुझे मारने की कोशिश करता है लेकिन मैं बच जाता हूँ, और फिर मैं कोशिश करता हूँ लेकिन अफसोस वो नहीं बच पाता। फिर हम लोग मॉब फार्म के ऊपर कोबल स्टोन और स्लैब का ट्रैपडोर लगा के कुछ सिंपल सा पैटर्न बना देते हैं, और इसको बनाने के बाद ये कुछ हद तक ठीक लग रहा था। फिर मैं फार्मिंग करने चला जाता हूँ और सारे क्रॉप को हार्वेस्ट करके फिर से प्लांट कर देता हूँ, और मैं वीट लेके काऊ को खिलाने जाता हूँ, और फिर देखता हूँ कि हमारे पास कोई भी शिप नहीं है, गोट ने सारे शिप को मार दिया, तो फिर मैं उसे भी मार देता हूँ। और फार्म में चेक करता हूँ कि कोई हमारे पास शिप है या नहीं, लेकिन कोई भी शिप नहीं था। ओके, तो अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, 45 आवर बीत चुका था और अभी तक हमारा 2 ऑब्जेक्टिव नहीं कंप्लीट हुए थे। फर्स्ट फुली एन्चेंटेड नेदरराइट का आर्मर और टूल्स बनाना, सेकंड एंडर ड्रैगन को मारना, और डेब्रिज माइन करने के लिए हमारे पास ना तो TNT था, और शिप के जाने के बाद हमारे पास तो बेड भी नहीं था, तो यानी हमें अब मैनुअली ही माइन करना पड़ेगा जिसमें हमारा बहुत टाइम लगने वाला है। अब हमारे पास केवल 5 घंटे बचे थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इंचांटिंग टेबल बनाता हूँ, और जितने भी बुक थे उनका यूज करके बुक सेल्फ बनाता हूँ, और माइनिंग से हमें जितने भी एमरल्ड मिले थे सब मैं ले लेता हूँ। इसी बीच मैं पांडा को भी फेंस के अंदर कैद करता हूँ, क्योंकि हमारे पास 5-6 पांडा थे और एक दो को तो वार्डन ने ही मार दिया, और एक दो शायद वाइड में गिर गए। अब हमारे पास केवल एक ही बचा था, तो मैं इसको खोना नहीं चाहता था। फिर ट्रेडिंग हॉल के ऊपर वाले फ्लोर पे मैं इंचांटिंग टेबल लगाता हूँ। बुक सेल्फ इनफ नहीं था तो लाइब्रेरी से बुक सेल्फ बाई करता हूँ, और इंचांटिंग टेबल को कंप्लीट करता हूँ। फिर अपने लिए एक डायमंड का सॉर्ड बनाता हूँ, और फिर मॉब की कुटाई करने लगता हूँ। फिर आर्मर से अपने लिए आर्मर बाई किया और उसको इंचांट करने लगा। फर्स्ट ट्राई में चेस्ट प्लेट में मुझे प्रोटेक्शन 4 मिल जाता है, और फिर लैगिंग में ट्राई करता हूँ तो अनब्रेकिंग के साथ फायर प्रोटेक्शन मिलता है। फिर मैं इंचांटिंग टेबल को तोड़ देता हूँ और वहाँ से मॉब फार्म के पास शिफ्ट कर देता हूँ। फिर हम लोग वहाँ पे मॉब की कुटाई करते हैं, इंचेंट करते हैं, डिसइंचेंट करते हैं, फिर मॉब की कुटाई करते हैं, फिर इंचेंट करते हैं, और फिर से डिसइंचेंट करते हैं। अगले कुछ देर तक भाई और मैंने बस यही किया। एक अच्छे इंचेंटमेंट मिल जाने के बाद मैंने बहुत सारी मेंडिंग की बुक बाई करी, और साथ में कुछ अनब्रेकिंग की भी बुक बाई करी, और उसे अपने आर्मर और टूल्स में लगा लिया। फिर अपने सॉर्ड को भाई पे चेक किया, और ऐसा लग रहा था वो मेरी कामयाबी से जल रहा था। फिर खाने के लिए कुछ पोटैटो कुक करता हूँ, और एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ, और लाइट अप करके हम लोग नेदर में चले जाते हैं। और कुछ दूर पे हमें नेदर वेस्ट मिलता है, तो हम लोग नीचे डिगिंग करते हैं, और वाई लेवल 14 पे जाके मैं पागलों की तरह माइन करने लगा। तभी मुझे फर्स्ट एंशिएंट डेब्रिज मिलता है। इसके बाद बहुत देर तक मुझे कोई भी एंशिएंट डेब्रिज नहीं मिलता। ऑलमोस्ट मेरे पिकेक्स का हेल्थ आधा हो जाने के बाद 2 और मिले, फिर एक और, फिर एक एक करके 2 बार और मिले, फिर 2 और मिला। मुझे टोटल 8 पीस मिला, और मेरे पिकेक्स की भी हालत खराब हो गई। तो फिर मैं वापस आने का डिसाइड करता हूँ, और तब तक भाई को भी 4 पीस डेब्रिज मिला था, तो वो भी मुझे दे देता है। फिर मैं वापस चला आता हूँ और डेब्रिज को चेस्ट में रखता हूँ, और मॉब फार्म पे मॉब की कुटाई किया। पिकेक्स को हील करने के बाद चेस्ट से फॉर्चून 3 के भी पिकेक्स ले लिया,
और फिर से नींद चला गया और माइन करने लगा। और इस बार बहुत देर के बाद फर्स्ट दो पीस मिला और इसके बाद तो इतना टाइम लगा कि मेरे पिकेक्स की हालत खराब हो गई। फिर एक साथ ही तीन और मिले। और यदि आप लोगों को मेरे पिकेक्स की हेल्थ कम ज्यादा दिख रहा है तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं बीच बीच में कॉर्ड्स को तोड़ के हेल्थ को रिफिल कर रहा था। और हाँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं कॉर्ड्स को भी तोड़ रहा था, इसलिए मैंने फॉर्चून वाला पिकेक्स भी लाया था क्योंकि फर्स्ट वाले पिकेक्स में मेरे सिल्क टच लगा था। मैं आप लोगों को बस मेन मेन पार्ट दिखाऊंगा, किसी को बोर नहीं करूंगा। इस बार की माइनिंग ज्यादा सक्सेसफुल रहती है, मुझे 28 डेब्रिज मिलता है और कुछ भाई को भी मिले थे। तो हम लोग वापस आने लगते हैं और गलती से मेरा सिल्क टच वाला पिकेक्स टूट जाता है। फिर मैं वापस आता हूँ और चेस्ट से सारे डेब्रिज लेता हूँ और उसको स्मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाल देता हूँ। हमने टोटल 63 डेब्रिज माइन किया था जो कि हमारे लिए काफी था। और जितने भी गोल्ड नगेट मिले थे उसका भी मैं गोल्ड इनगेट बना लेता हूँ। और मैं कुछ नगेट के और भी लाया था तो मैं उसे भी फॉर्चून 3 से माइन कर लेता हूँ और उसका भी इनगेट बना लेता हूँ। कुछ नेदराइट स्क्रैप और डेब्री हमें इन्फिनिट ब्लॉक को माइन करने पे भी मिला था तो मैं उसको भी ले लेता हूँ और उन सबसे टोटल 18 नेदराइट इनगेट बनाता हूँ। फिर मैं अपने सारे आर्मर और टूल को नेदराइट में अपग्रेड करता हूँ और नेदराइट इनगट को भाई को दे देता हूँ। और अब मैं फुल नेदराइट आर्मर में कवर था और फाइनली मैं पूरी तरह से अमीर हो चुका था और भाई भी फुल नेदराइट में कवर हो चुका था। और मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि खुशी खुशी में भाई को एक शॉट मार देता हूँ। अभी भी हमारे पास 6 नेदराइट इनगेट और 2 स्क्रैप बचा था। अब हमारा एक लास्ट ऑब्जेक्टिव बचा था ड्रैगन को मारना और मुझे वाटर बकेट ट्रिक भी नहीं आता तो हमें पोशन की जरूरत थी। इसके लिए हमें नेदर वॉट चाहिए था, मतलब हमें फिर से नेदर जाना था। फिर क्या था, हम लोग नेदर में कूद गए और नेदर में हमारा स्पॉन इतना गलत जगह था, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस चारों तरफ लावा था। हमें एक वॉर फॉरेस्ट दिख रहा था तो हम लोग उसी के साइड आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी ही दूर जाने पे मुझे फोर्ट्रेस का वॉल दिखता है तो मैं स्पाई ग्लास का यूज करके देखता हूँ तो हाँ, वो फोर्ट्रेस ही था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बीच में हमारे बहुत ज्यादा लावा था, हमें लावा को पार करके जाना था तो मैं ब्रिजिंग स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन ये एक एडवेंचर की तरह था, हमें मज़ा भी आ रहा था और साथ में डर भी लग रहा था कि यदि यहाँ से हम गिरे तो हमारा सारा काम ख़त्म। लेकिन हम लोग किनारे किनारे से होके जाते हैं और फाइनली हम लोग फोर्ट्रेस के ऊपर पहुँच जाते हैं और जाते ही हमारे फैंस लोग फिर आ जाते हैं। और फिर हम लोग फोर्ट के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही एक ब्लेज था तो मैं उसको मारता हूँ और वहीं पर नेदर वॉल्ट मिल जाता है तो मैं थोड़ा सा उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम लोग फोर्ट को एक्सप्लोर करने लगते हैं और ये फोर्ट बहुत बड़ा था तो हमें लगा कि कुछ चेस्ट वगैरह मिल जाए जिससे हमें थोड़ा लूट वूट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन फोर्ट में कोई भी चेस्ट नहीं था तो मैं कुछ ब्लेज को मारता हूँ और बहुत सारे वेदर स्केल्टन को भी मारता हूँ इस उम्मीद में कि कोई मुझे एक स्कल दे दे। और हमें इन्फिनिट ब्लॉक से 2 स्कल मिल चुका था तो हमें बस एक स्कल और चाहिए था तो हम लोग वेदर को भी स्पॉन कर सकते थे। बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन मुझे कोई भी स्कल नहीं मिलता तो हम लोग जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से होले होले करके वापस आ जाते हैं। फिर मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बनाता हूँ और उसको प्लेस कर देता हूँ तो फिर हम लोग पोशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ स्लो फॉलिंग के पोशन बनाता हूँ और भाई के लिए नाइट विजन का पोशन बनाता हूँ क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था और कुछ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ बनाता हूँ और साथ में कुछ बोतल भी बना लेता हूँ। फिर आई एफ एंडर को लगा के पोर्टल को स्टार्ट करता हूँ और सीधे जंप कर देता हूँ। और मैं प्लेटफॉर्म के अंदर स्पॉन हुआ था तो मैं माइन करके ऊपर आता हूँ और तब तक भाई भी ज्वाइन कर लेता है। फिर अपने गॉड वाले एम सेट क्रिस्टल को तोड़ना स्टार्ट करता हूँ और जो नीचे से नहीं तोड़ता उसको ऊपर चढ़ के तोड़ देता हूँ और सारे बचे हुए क्रिस्टल को वहीं ऊपर से मार के तोड़ देता हूँ। बस ये जाली वाले बचे थे तो मैं इसको भी तोड़ देता हूँ। सारे क्रिस्टल को टूट जाने के बाद पोशन पीता हूँ और फिर ड्रैगन को मारना स्टार्ट करता हूँ। पहले तो 2-3 शॉट मिस होते हैं, फिर 4 शॉट लगातार कनेक्ट होते हैं और बीच में तो इनको भी चैन नहीं था, ये भी पीछे पड़े थे, मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था और भाई को तो मार ही देते हैं। और हम वाटर बकेट भी लाना भूल गए थे। फिर 1-2 शॉट और मारता हूँ और बीच में ड्रैगन तो मेरा फुटबॉल भी बना देता है। फिर मैं 2-3 एरो और मारता हूँ और 2-3 एरो भाई भी मारता है और एक बार तो ये बैठता भी है तो मैं चुपके से जाता हूँ और नीचे से इसकी खूब धुलाई करता हूँ। अब हमें बस एक और चांस चाहिए था और वो भी हमें मिल जाता है और फिर मैं 2-3 एग्स और मारता हूँ और ड्रैगन खत्म, फ्री द एंड हो गया। और फिर टपली मार के ड्रैगन के एग को भी चोरी कर लेता हूँ। अभी हमारे पास 40 मिनट टाइम बचा था तो हम लोग एलाइट्रा लेने चल देते हैं। दूर दूर तक हमें कोई भी इंड सिटी नहीं मिलती तो हम लोग ब्रिजिंग करके थोड़ा सा दूर जाते हैं और तभी भाई बोलता है कि उसके फोन में वर्ल्ड रेंडर ही नहीं हो रहा और वो आगे भी नहीं आ पा रहा था। तो फिर मैं वही करता हूँ जो एक जिम्मेदार भाई करता है, उसे वही छोड़ के आगे बढ़ जाता हूँ। और थोड़ी दूर जाने पे मुझे एक इंड सिटी दिखता है और पास जाके देखता हूँ तो सिटी तो बहुत छोटा
रहा था लेकिन शिप था, तो मैं भाग के जाता हूँ और स्टोन लगा के ऊपर चढ़ने लगता हूँ। फिर दो सल्कर थे तो मैं उनको मारता हूँ और इंडर पर्ल फेंक के शिप पे चला जाता हूँ। और अंदर एक और सल्कर था तो मैं उसे भी मारता हूँ और इलाइट्रा चोरी कर लेता हूँ। फिर उसे पहन के शो ऑफ करता हूँ और एक चेस्ट में डायमंड का पिकेक्स था और साथ में एक सैडल था तो मैं उसको ले लेता हूँ। और एक चेस्ट की तो बात ही ना करे तो अच्छा है। फिर ड्रैगन हेड को भी ले लेता हूँ और सच बताऊँ तो ये ड्रैगन से ज्यादा मेरे पे ही सूट कर रहा था। फिर मुझे याद आता है कि मैं रॉकेट तो लाना ही भूल गया, मतलब अभी के लिए इलाइट्रा कोई काम का नहीं है। फिर मैं एंडर पर्ल फेंक के नीचे जाता हूँ और भाई के लिए भी एक इलाइट्रा खोजने निकल जाता हूँ। और फिर मुझे पास में एक बहुत बड़ी सिटी मिलती है लेकिन इसमें शिप ही नहीं था। और फिर मुझे कोई सिटी नहीं दिखता और 50 हावर्स भी कम्प्लीट होने वाले थे तो फिर मैं वापस आने लगता हूँ। और वापस आते ही सबसे पहले अपने इलाइट्रा पे अनब्रेकिंग लगाता हूँ और मेंडिंग लगाता हूँ और फिर अपनी पहली फ्लाइट लेता हूँ। और इसी के साथ हमारा 50 हावर्स भी कंप्लीट हो जाता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि हम लोगों ने सर्वाइव किया, क्योंकि हम लोग जितनी बार मरे हैं वो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है।